हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओलियाइज फाउंडेशन सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की एग्जीक्यूटिव सो so, आखिर एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका है क्या सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में जो आपको ये तीन चैप्टर्स दिए हुए हैं कोशिश कीजिएगा कि तीनों चैप्टर्स को जब एक एक करके देख लो फिर साथ में इनको जरूर पढ़ो ताकि आप इंटरलिंकिंग कर सको कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आखिर मैं किस प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है आपस में बाइंड हैं किस तरीके से वह काम करते हैं कहाँ वह इंडिपेंडेंट है कहाँ वे चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं तो इन सभी को एक बार साथ में भी आपको देखना है ठीक है सो आज का है हमारा चैप्टर नंबर फोर मैं से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी रिविजन करते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाई कॉन्स्टिट्यूशन हाउ राइट्स एंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ये थ्री चैप्टर्स आपके हो चुके हैं देन एग्जीक्यूटिव की हम बात अभी कर रहे हैं ठीक है सो देखो बेसिकली एग्जीक्यूटिव में हमें बहुत कुछ है जानने को मैं आप सभी को बता दूं ये टेलीग्राम चैनल है मंजू पी डब्ल्यू वाला जो सर्च कर लेना आपको इजीली मिल जाएगा या फिर उसको स्कैन कर लो ज्वाइन कर लो इस पर आपको क्लासेस का पीडीएफ डी और जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस मिल जाती हैं चलो अब आ, आ जाते हैं कार्यपालिका पे कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का मतलब क्या है अगर हम विभिन्न देशों की बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें उन्होंने किस तरह के एक सिस्टम को अपनाया हुआ है किस तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी कि कितने अलग अलग तरह की डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वह हो सकती है उसके डिफरेंट पावर हो सकते हैं हो सकता है एक ही पोस्ट हो पीएम का या फिर प्रेसिडेंट का बट उसके डिफरेंट शक्तियां हो अलग अलग देशों में डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में तो बहुत तरीके के इसमें आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि, कि किसी पर्टिकुलर कंट्री ने किसी प्रोविज़न को अपनाया तो पर्टिकुलर कर, किसी अदर कंट्री के द्वारा सेकेंड प्रोविजन को अपनाया गया सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का मेन मतलब क्या है जैसे कि यहां पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है ब्यूरोक्रेसी क्या करती है नौकरशाही का क्या मतलब है तैयारी कर रहे हो ना कि ब्यूरोक्रेट बन जाए तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है वन लाइन में वो स्टेटमेंट वॉट इज एन एग्जीक्यूटिव क्या है आखिर कार्यपालिका वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव वही बात की अलग अलग देशों ने अलग अलग कुछ कुछ जो प्रोविजन है उसको अपना लिया सो वॉट इज़ एन एग्जीक्यूटिव एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बिकॉज ऑफ हमने जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया है हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वह डिफरेंट है प्रेसिडेंशियल की बात करेंगे कि अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो है उसे कहीं कहीं अपनाया गया है ठीक है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया पावर एंड पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा आप आर्टिकल्स पढ़िएगा उसमें आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति का जो इंट्रोडक्शन है वह कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका बेसिकली जो हेड होगा ठीक है कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका का प्रमुख वह प्रेसिडेंट होगा क्या उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसकी हम बात करेंगे कि केवल एक रबर स्टैम्प की तरह प्रेसिडेंट जो है वह नहीं है हमारे देश में बल्कि इसके पास कुछ एक्चुअली भी वास्तव में भी कुछ शक्तियां जो हैं है वह संविधान ने दी हैं उस पर बात करेंगे एंड नेक्स्ट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है अगर हम देखें कि रियल जो पावर का यूज करेगा रियल पावर का यूज कौन कर रहा है यहां पे पीएम कर रहा है पीएम जो कि हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं पहले आप पढ़ भी चुके हैं ना बाकी एनसीआरटीज़ में एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब पहले देख लो कि कर, करने क्या क्या वाले हैं मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर हम थीम देखें ना सो बेसिकली यूपीएससी की जो एक अप्रोच रहती है कि किसी भी पर्टिकुलर एक थीमेटिक अप्रोच क्या है यहाँ से जो क्वेश्चन है वे जरूर पूछते हैं तो देखो 13, 15, 17, 17, 20, ट्वेंटी वन में भी इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं तो यहाँ पर देखो आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है प्रिंसिपल्स कैबिनेट गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड बेसिक्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो यहाँ पर ये यह जो थीम है यहाँ से कुछ

ठीक है समझा भी दूंगी लिखवा के नोट्स भी बनवा दूंगी बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे यहां से क्वेश्चन में पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लॉज वन को पढ़ेंगे ठीक है पावर एंड अपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में नायरू जी का एक स्टेटमेंट है उसको हम देखेंगे ठीक है राष्ट्रपति के क्या विशेष अधिकार है इससे संबंधित क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे क्वेश्चन भी देखेंगे पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर यहां से क्वेश्चन देखेंगे साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे यहां से क्वेश्चन एंड लास्ट परमानेंट एज

तो बेसिकली इंडिया में क्या है किस तरीके से काम होता है लेजिस्लेटिव जुडिशरी एंड एग्जिक्यूटिव ठीक है तो हमने क्या किया है कि पावर डिवीज़न जो है बेसिकली वह किया है अब किसी का लेवल किसी से ज्यादा तो है नहीं ये हायरकिी में तो है नहीं कि सबसे ऊपर जुडिशरी है उसके बाद एग्जीक्यूटिव है फिर लेजिस्लेटिव है या फिर सबसे टॉप पे जुडिशरी है एपेक्स है देन उसके बाद फिर जुडिशरी है या फिर ऐसा नहीं है ना ये क्या करते हैं ये सेम लेवल पर जो पावर डिवीजन है जो इनकी पावर है जो इनकी अथॉरिटी उसको एंजॉय करते हैं उसको लागू करते हैं सो so यहाँ पर लेजिस्लेटिव की बात करेंगे इसका काम क्या होगा टू मेकिंग लॉज नियमों कानूनों को बनाना है ना टू मेकिंग लॉ रूल ऑफ लॉ जो ठीक है टू मेकिंग लॉ जुडिशरी की बात करेंगे जुडिशरी का काम क्या होगा कि जो रूल ऑफ लॉ है मतलब कानून के हिसाब से चीजें चले उसको देखना जस्टिस करना तो एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे इसका काम होगा इंप्लीमेंट करना ठीक है इसका काम क्या होगा इंप्लीमेंटेशन एंड ये इंप्लीमेंटेशन किसका करेगा तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन करेगा कि जो लेजिस्लेटिव जो है उसने जो पॉलिसीज एडॉप्ट की हैं उन पॉलिसीज को क्रियान्वयन का काम उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूटिव का जो काम है उनको एजुकेशन में लाने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी अब इसमें कुछ कुछ क्या होंगे ऑफिसर्स उसकी भी बात करेंगे हम सो लेजिस्लेटिव जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव ठीक है तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं इस बात को पहले समझना कि ये सेम लेवल पर जो पावर शेयरिंग है कर रहे हैं तो अगर सेम लेवल पर पावर शेयरिंग है, जानते हैं उसको क्या कहते हैं पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग सेम लेवल पर अगर हो रहा है तो इसे कहेंगे हॉरिजोनटल पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल पावर इसे को कहा जाता है ठीक है सो डिवीजन ऑफ पावर इसमें कैसा है सेम लेवल पर है डिवीजन ऑफ पावर सेम लेवल पर जब होता है ठीक है आगे हम इन्हीं तीनों संस्थाओं को पढ़ने वाले आज एक्टिव की बात करेंगे ठीक है नेक्स्ट बात जो है हमारी वह लेजिस्लेटिव की हो जाएगी और फिर लास्ट हम इसमें बात कर लेंगे जुडिशरी की बात कर लेंगे सबसे लास्ट में ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि ये सेम लेवल पर पावर शेयरिंग जो है वह कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि किस किसी की हरिकी जो है वह टॉप पर है किसी की बॉटम पर है कोई किसी के अधीन जो है वह काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पावर शेयरिंग है वो बेसिकली हॉरिजोटल बेसिस पर होगी सो डिविजन ऑफ पावर एट सेम लेवल ठीक है सो यहाँ पर अब एजिक्यूशन का जो काम है वह क्या होगा अब जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या कर रही है ठीक है तो यहां पर तो आप समझ ही गए हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है वह इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है वह क्रियान्वयन का काम कर रही है इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है क्रियान्वयन का एंड क्रियान्वयन क्या वॉट वॉट किस चीज का एग्जीक्यूशन कर रही है तो यहां पर याद रखना कि बेसिकली हमने जिस सिस्टम को अपनाया है सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट द लॉ है ना सो so ये एजुकेटिव क्या कर रही है पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विच एजुकेट द लॉ जुकेट द लॉ है ना और ये किस लॉ को इंप्लीमेंट कराने का काम कर रही है तो याद रखना कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी विच इज एडॉप्ट बाय लेजिस्लेटिव है ना सो so, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन

जो रूल्स जो पॉलिसीज लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाई गई हैं विधायिका के द्वारा बनाई गई हैं उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट uh, करने का जो काम है वह कर रही है तो हमने देखा कि भाई यूनियन लेवल पर भी यूनियन एजुकेशन है यूनियन एग्जीक्यूटिव है स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव है ठीक है पार्ट फाइव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फाइव में यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका की बात की गई है उसमें क्या क्या आएगा उसको हम समझते हैं ठीक है तो बेसिकली ये क्या है हमने यहाँ पर सबसे पहले एक रिलेशन देखा कि इनके बीच में जो पावर शेयरिंग है सरकार के तीन प्रमुख अंगों के बीच में जो पावर शेयरिंग है वह पावर शेयरिंग कैसी है हॉरिजोंटल या डिविजन ऑफ पावर एट द सेम लेवल तो विधायिका ठीक है अच्छा दो खुद से देख लेना हिंदी वो शब्द so, आप समझ गए अब देखो सो so, आपने देखा कि कार्यपालिका बेसिकली दिख रहा का का basically है ना वही था कार्यपालिका का बेसिकली क्या काम होगा इंप्लीमेंट कराना पॉलिसीज एंड लॉ को इंप्लीमेंट कराना पॉलिसीज एंड जो लॉज हैं ठीक है इसको इंप्लीमेंटेशन का जो काम है ठीक है वो कौन काम करेगा एग्जीक्यूटिव बॉडी अब देखो अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन संघ की कार्यपालिका यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा ठीक है संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो याद रखना इसमें अगर कौंस्ट, हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फाइव की बात करें उसमें इसका वर्णन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फाइव ठीक है एंड जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स फिफ्टी टू से लेके सेवेंटी एट तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में कहा गया है जिसमें कि शामिल है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर पीएम है ना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है अब देखो अगर वही सेम हमें देखना हो इस बेस पर कि ये तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हो गई स्टेट एग्जीक्यूटिव तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा गवर्नर से स्टार्ट करो गवर्नर ठीक है एंड सी एम चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वहां पर जो है तो यहां पर स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो यूनियन लेवल पर यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पी एम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात यहां पर की गई है ठीक है so, सो देखो बेसिकली तो एग्जीक्यूटिव आप समझ गए कि वह अंग सरकार का वह अंग जो क्या कर रहा है कि जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज पॉलिसीज बनी है है उन के इंप्लीमेंट कराने का वह है, काम कर रहा है। और देखो अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वह बेसिकली कैसे होंगे इंटरडिपेंडेंट होंगे है ना इसमें क्या होगा लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव है याद रखना यह बेसिकली इंटरडिपेंडेंट होंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंटरी सिस्टम में संसदीय व्यवस्था में जो लेजिस्लेटिव है एंड जो एग्जीक्यूटिव है जो लेजिस्लेटिव है एंड जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या होंगे इंटर डिपेंडेंट होंगे इंटर डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर निर्भर होंगे ध्यान रखना ये ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे इंटरडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर निर्भर होंगे स्वतंत्र नहीं होंगे जैसे कि अगर हम यूएसए में जिस सिस्टम को अपनाया गया है अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे राष्ट्रपति शासन पद्धति की बात करेंगे उसमें यह ज़रूर है कि जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेटिव uh, है जुडिशरी है वो सब बेसिकली बहुत स्ट्रांग एक उनके बीच में जो आपको प्रथाकरण है जो सेपरेशन है वह देखने को मिलता है बट इंडिया में नहीं है ना इंडिया में नहीं तो बेसिकली याद रखना कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर क्या है इंटरडिपेंडेंट है साथ ही देखो जो लेजिस्लेचर है वह कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव को जो लेजिस्लेचर है जो विधायिका है वह क्या कर रहा है ये लेजिस्लेचर जो है वह एग्जीक्यूटिव को कर कंट्रोल कर रहा है ठीक है कंट्रोल कर रहा है नियंत्रण जो है वह बना हुआ है लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल बना हुआ है और याद रखना कि बेसिकली ये कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव भी होती है तो एक नियंत्रण भी बनाए रखती है मतलब देखो लेजिस्लेचर या जो विधायिका है ठीक है विधायिका का कंट्रोल क्यों होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा एक जो अगर आप विशेषता देख लें एक फीचर देख लें ये इसका यही है कि जो विधायिका है ठीक है विधायिका का, का नियंत्रण कार्यपालिका पर होगा या जो कार्यपालिका है वह रिस्पॉन्सिबल होगी टू लेजिस्लेटिव कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व उसका होगा ठीक है अब ऐसा क्यों होगा एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो लेजिस्लेटिव के लिए होगा क्योंकि विधायिका में वो लोग हैं जिन्हें लोगों ने चुना है और एक डेमोक्रेसी में लोगों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लोगों का जो निर्णय है वह सर्वोपरि है प्रियमिनेंट है और इसी वजह से क्या किया जाएगा कि जो एजिकेटिव है भले ही इसमें ऐसे लोग हों भले ही इसमें ऐसे सिविल सर्वेंट हो जो बहुत योग्य हो लेकिन उसके बावजूद भी एक मंत्री मिनिस्टर्स एक एम एक एम भले उसकी शिक्षा कुछ हो उसकी योग्यता कुछ हो है ना तो वो बेसिकली एक जो आई ऑफिसर है वह कंट्रोल हो रहा है ऐसा क्यों जबकि ज्यादा ही योग्यता है ज़्यादा योग्यता है एग्जीक्यूटिव में स्पेशली जब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे दैट इज बिकॉल ब्यूरोक्रेसी है ना ब्यूरोक्रेट्स तो इनके पास तो ज़्यादा एबिलिटी है फिर ऐसा क्यों है कि जो लेजिस्लेटिव है ठीक है उसको बेसिकली आंसर मतलब उसके प्रति एक उत्तरदायित्व है तो याद रखना कि एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह किसके लिए है लेजिस्लेटिव के लिए है अब आओ ये जो थीम है बच्चों न जाने कितनी दफा प्रश्न पूछा गया ये क्वेश्चन है 2015 का देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द बिकॉज द लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ठीक है अब देखो हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है देखो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं पीएम है ना तो यहां पर याद रखना कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी एक्सिस्टेंस में आती है तभी अस्तित्व में आती है जब पीएम जो है वह अपने पीएम ऑफिस का ओत ले लेते हैं शपथ ले लेते हैं उसके बाद ही अस्तित्व में आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो यहां पर देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूंकि का पार्ट है एग्जीक्यूटिव बॉडी है ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि जो मंत्री मिनिस्टर हैं वह आगे जाके उस उस जो जो निर्णय लिया गया था पॉलिसी पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी पे इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे थे अब याद रखना ये मंत्री मिनिस्टर वो भी हो सकता है जिसने पॉलिसी मेकिंग में जिसका हाथ था तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वह विधायिका के भी मेंबर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वह लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं ठीक है तो यहां पर एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक दोहरी सदस्यता तो होती है क्योंकि वही मंत्री मिनिस्टर जब नीतियां बना रहे हैं आप कह रहे हैं कि संसद जो है वह लेजिस्लेटिव है संसद या विधायिका की बात करें पार्लियामेंट की बात करें है ना तो ये क्या है राष्ट्रीय संसद स्पेशली हम नेशनल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे यही मंत्री मिनिस्टर को हम काउंट कर रहे थे लेजिस्लेटिव में कि ये विधायिका है पर जब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ गया वही कैबिनेट मिनिस्टर बन गया किसी मंत्रालय का प्रभार जो है उसने संभाल लिया किसी मिनिस्ट्री का हेड है फिर वह नीतियों को पॉलिसीज को लागू कराने का काम करता है जैसे कि हाल ही में नितिन गडकरी कह रहे थे कि आर के उन्होंने आठ से दस मतलब कई सेवाएं हैं उन्होंने डिजिटलीकरण उसका कर दिया तो यहां पर क्या है कि वह डिसीजन भी ले रहे हैं पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए तब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया तो यहां पर ये जो एग्जीक्यूटिव है ना ये रिस्पॉन्सिबल है विधायिका के लिए अभी तक हमने यही समझा ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है विधायिका के लिए, लिए संसद के लिए है ना और चूंकि लेजिस लेजिस्लेटिव की हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है तो लेजिस्लेटिव में भी कौन सा सदन लोकसभा लोकसभा के भी प्रति उत्तरदायित्व होगा याद रखना ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये हाउस ऑफ द पीपल लोगों के सदन के लिए होगी ना कि राज्यसभा के लिए उच्च सदन के लिए नहीं होगी तो लोकसभा में जब तक टेक्निकली इसका ये भी है मतलब देखो अगर जब तक लोकसभा में आपको विश्वास प्राप्त है मेजोरिटी में आप हो तब तक ठीक है लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस हो गया आपने अपनी मेजोरिटी को लॉस कर दिया फिर क्या सरकार गिर जाती है तो सरकार कब तक है सरकार कब तक है जब तक लोकसभा में उसे बेसिकली एक मेजोरिटी प्राप्त है है ना तो यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि जो मंत्री परिषद है वह रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए वह लोकसभा के प्रति कभी अगर पार्लियामेंट केवल लिखा हो और कोई ऑप्शन ना हो तब उसको आप सही मान सकते हैं कि हाँ विधायिका के प्रति उत्तरदायी है कहीं अगर सेपरेट करके लिख दिया जाए कि विधायिका नहीं राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है तब गलत हो जाएगा क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है हाउस ऑफ द पीपल समझे इस बात को चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन देखो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच 2020 का क्वेश्चन है ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाई दैम लोग कैसे हटा रहे हैं द गवर्मेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाई इट बिफोर कम्पिटिशन ऑफ फिक्स टर्म ऐसा नहीं है पांच साल के लिए अगर विधायिकाएं जो है नेशनल लेवल पर अगर हम देखे तो जो संसद बन रही है लोकसभा स्पेशली अगर पांच साल का टर्म है विधानसभाओं का पांच साल का टर्म है लेकिन इसके पहले भी उसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है भंग उसको किया जा सकता है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है एक विशेषता है केस में जो निम्न सदन होगा वो भंग किया जाएगा है ना उसकी एक विशेष टर्म होगा विशेष शब्दी होगी मैं आपसे पूछती हूं क्वेश्चन बताओ जरा मैंने आपको बताया हुआ है इसको जब मैं इंदिरा गांधी जी का काल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ढूंढना वहां पे आपको मिल जाएगा ऐसा कौन सा ईयर था या फिर ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा जो लोकसभा का टर्म है वह बढ़ा के छह साल कर दिया था बाद में इसको फिर हालांकि पांच साल कर दिया सो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है कि जिसमें जो सरकार है अब देखो हमने कंबाइंड रूप से सरकार कह दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम है चूंकि वह ज्यादातर उसका तो सामान्य रूप से क्या होता है एग्जीक्यूटिव को ही सरकार कह दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को ही क्या कह दिया, दिया जाता है सरकार कह दिया जाता है सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट इसको हटाया भी जा सकता है अब देखो यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है अब यहाँ पे लोकसभा नहीं लिखा है ना यहां पे पार्लियामेंट लिखा है तब भी ये सही होगा अगर कहीं स्पेशली राज्यसभा मेंशन है वो गलत हो जाएगा तो देखो क्वेश्चंस में अंतर नहीं था आप समझ यहां से गए थे कि एजुकेटिव जो है ठीक है वह लेजिस्लेटिव के लिए और स्पेशली लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल है के प्रति उत्तरदायित्व है लेकिन जब इसको फिफ्टीन सेवनटीन में अलग पूछ रहा है ट्वेंटी में अलग बात वही पूछ रहा है बस उसने क्या किया थोड़ा सा जो शब्द है वह चेंज कर दिए थोड़ा सा जो वर्ड्स है वह चेंज कर दिए इन्हीं शब्दों को बच्चों जब आप समझोगे ना हम सबने पढ़ा होता है एज अ स्टूडेंट देखो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो इस लाइन को पढ़ा अब मैं बध गई थी इस लाइन के साथ कि नहीं इसके अलावा कुछ और आएगा वो मेरे को या तो आएगा नहीं या फिर मुझे यही शब्द चाहिए तो आप जब थोड़ा सा एक वाइड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तब तो आपको थीम वही नजर आएगी बस थोड़े से शब्द बदल गए होंगे अगर आप अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं देखो आपने अगर साल भर सिंसियरली पढ़ाई करी है सारा सिलेबस कवर किया है कंप्लीट किया है तो पीटी में क्या होता है कि आपको अपना वो जो नॉलेज है वो याद करना होता है कि यार मैंने ये पढ़ा था और ये जो स्टेटमेंट है ये हो रहा है और इस आधार पर मैंने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग या राइट करना है ठीक है समझ रहे हो तो यहां पर क्या है कि आपको अपने नॉलेज का यूज करना होता है तो जो आपके पास वो लाइन थी ना कि एग्जीक्यूटिव जो है वह किसके लिए रिस्पॉसिबल है लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉसिबल है, 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 है लेजिस्लेटिव में अगर स्पेशली हमें कहना हो तो भाई लेजिस्लेटिव कौन है नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट पार्लियामेंट में स्पेशली हम देखें तो क्या लोकसभा एक बार लोकसभा लिख दे एक बार ये प्रेस पार्लियामेंट टफ था यह क्वेश्चन नहीं था डफ क्यों नहीं था अब इसलिए डफ नहीं था क्योंकि आप उसके बेसिकली जो उसका सही अर्थ है आप उसको समझ गए तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है अब इस क्वेश्चन को देखो ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है वी अडोप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम द मॉडल अब देखो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं देखोगे इस बात को ध्यान से ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन पूछा गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी जिसमें कि मैंने यूपीएससी मेंस 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया ये क्वेश्चन पीटी का क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी मेंस 2023 में ये क्वेश्चन है यह पूछा गया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश मॉडल से जो इंडिया का मॉडल है वह कैसे डिफरेंस है जैसे कि वहां पर पार्लियामेंट की सुपोमे इंडिया में नहीं है इंडिया में पार्लियामेंट की सुप्रोमेसी नहीं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रोमेसी है ये प्रश्न जो है जो 2021 में पूछा गया बच्चों वी अडोप्ट डेमोक्रेसी ब्रिटिश मॉडल बट द डिफरेंट मॉडल तो या फिर यह क्या है एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड तो यहां पर क्या है कि हमारी जो संसद है उसके पास जो शक्तियां है वह सीमित है लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कहा भी जाता है ना कि सबसे ज्यादा व्यंगात्मक जो बात कही जाती है अगर हम पूरे विश्व में देखें तो सबसे शक्तिशाली जो पार्लियामेंट है वो किसकी है ब्रिटेन की है एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बताने के अलावा बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है ठीक है तो यहां पर क्या है कि सारी शक्तियां हैं पार्लियामेंट के पास बहुत इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से चूंकि चु, ब्रिटेन में है नहीं कि वह बाउंड हो जाए उससे है ना सो पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड ये इंडिया की बात है क्योंकि इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट ठीक है इसको हम आगे समझते हैं अब देखो कि यहां पर हमने ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये 15 का क्वेश्चन था ये 20 का क्वेश्चन था ठीक है ये 2021 का क्वेश्चन था और 2023 का मेंस का क्वेश्चन ध्यान रखना वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है समझो बता ही दिया तो यहां पर या देखो अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूटिव वेयर देयर इज अ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट संसदीय कार्यपालिका क्या मतलब है इसका कि जो एग्जीक्यूटिव है वह डिपेंडेंट होगी ऑन द सपोर्ट एंड मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट संसद में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक वह काम कर रही है ये हमारी संसदीय व्यवस्था ठीक है अभी इन सब चीज देखो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए है ना अब आगे चीजें और समझाती हूं सो so, यहां पर हमने देखा कि पावर डिवीजन बेसिकली सेम लेवल पर अगर होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है यहां पे एग्जीक्यूटिव की बात करें कि ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच एग्जीक्यूट द लॉ ये बेसिकली लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम कर रहा है एंड रिस्पॉन्सिबल एंड ठीक है एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी विच एडॉप्ट बाय लेजिस्लेचर ठीक है इसके अलावा हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर ली पार्लियामेंट्री सिस्टम को का एक विशेषता मैंने बता दी जिससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वे आ चुके हैं ठीक है ठीके? अब हम आते हैं कुछ और बातों पर एग्जीक्यूटिव के बेसिकली देखो कि अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एजीक्यूटिव की बात करें पहले एग्जीक्यूटिव को समझ लेते हैं ठीक है फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव पे आएंगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन डिसीजन एंड 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 अबाउट रूल द अदर वन वुड बी चार्ज ऑफ पॉलिसीमेंटेशन ठीक है इस बात को हम समझ गए कि एक जो है वह ऐसा है ठीक है जिसने कि क्या किया कि बेसिकली जो डिसीजन है वह लिया कि पॉलिसीज जो है वह क्या होंगे ठीक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के यहाँ पर हम दो ऑर्गन की बात कर रहे हैं एक जो है लॉको डिसाइड कर रहा है डिसाइड कर रहा है कि जो लॉ है वह क्या होगा है ना और दूसरा जो है वह क्या कर रहा है इंप्लीमेंट कराने का काम कर रहा है दूसरे का फंक्शन क्या है कि वह इंप्लीमेंटेशन करा दे उन लॉन्ड पॉलिसीज का ठीक है

अडॉप्ट बाई लेजिस्लेचर ठीक है इस बात को हम समझ समझ चुके हैं एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ये बात भी सही है अगर ये आ जाए कि नहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसका पॉलिसी फ्रेमिंग में कोई रोल नहीं होता गलत हो जाएगा हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव के सदस्य है वह लेजिस्लेटिव के भी सदस्य होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वह लेजिस्लेटिव के भी मेंबर्स ये वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंड्स जहाँ से प्रश्न आते हैं और हम यहां पर सीधा पढ़ लेते हैं कि यार ये फ्रेमिंग में शामिल होंगे पर इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि यही जो मेंबर्स हैं यही फ्रेमिंग में शामिल हो रहे हैं और यहां पे मैं बात कर रही हूं कि डिफरेंट ऑर्गन है दो ऑर्गन है एक पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है दूसरा इंप्लीमेंट करा रहा है अरे भाई टेक्निकली हमने नाम रख दिया ना जैसे कि अच्छा ये देखो कि जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जब हमारे पास पार्लियामेंट के दोनों सदन तब जब तक अस्तित्व तो में नहीं थे काम नहीं कर रहे थे तब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वह क्या कर रही थी वह एज एग्जीक्यूटिव भी काम कर रही थी वह एज अ लेजिस्लेटिव भी काम कर रही, थी। ऐसा काम कर रही थी जब वह कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी और वह एजुकेटिव का काम कर रही थी जब कुछ नियम कुछ कानूनों को तुरंत लागू कराने की जरूरत थी इंप्लीमेंट कराने की जरूरत थी तो उस हिसाब से तो जब वो बैठक करती थी उसके जो अध्यक्ष है वह बदल जाते थे ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑफर इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी एंड द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग देशों में जो ये एग्जीक्यूटिव uh, है बट डिफरेंट हो जाएगी इन सम कंट्री हैव प्रेसिडेंट वाइल अदर चांसलर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट पी एम एंड मिनिस्टर इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऐसा नहीं है कि केवल 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 बस प्रेसिडेंट आएंगे 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 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वह केवल मंत्रिपरिषद आएगा बल्कि इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है तभी तो हम लास्ट में परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेसी को पढ़ने वाले ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ने वाले हैं आई एस आईपीएस ठीक है जो सेंट्रल लेवल पर सर्विसेज होती है रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करें फॉरेन सर्विसेज की बात करें या फिर स्टेट सर्विसेस की बात करें तो इन सभी को क्या है कि केवल यहाँ पर प्रेसिडेंट पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आ रहे बल्कि इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मशीनरी भी शामिल है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूरोक्रेसी का मेन काम क्या है नौकरशाही का मेन मतलब क्या है बस वह संस्था या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखेंगे थे कि जो आई एस क्या, क्या कर रहा है आई एस का मेन काम क्या होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखेंगे बहुत ही सिग्निफिकेंट जो रोल होता है और उसका मेन मेन रोल यह होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमपी में एक आ, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर एक भिकारी की भूख के कारण डेथ हो जाती है वहां के कलेक्टर का मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये क्या है ये बताया जाता है कि सरकार अगर ये कह रही है कि राइट टू फूड भी अगर शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रही है तो भाई ढूंढो उस व्यक्ति जो डिसएडवांटेज़ है उस तक पहुंचाओ लाभ अगर नहीं पहुंचाया जा रहा है तो देखो हटाने का अधिकार तो स्टेट के पास है नहीं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी जो कार्यवाही है वह कर सके है ना केवल सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह के जो केसेज है उसको टैकल करता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं होगा तो इसको भी हम पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है कि कहीं कहीं पर प्रेसिडेंट तो कहीं पर चांसलर है ठीक है कहीं पर आ, हम देखेंगे कि एस में पी आ रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया की स्पेशली बात करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा मैकेनिज्म है जो मशीनरी रही है वह भी इसमें आएगा ठीक है वह भी जो है इसमें आएगा अब हम टाइप ऑफ एजुकेटिव की बात करते हैं टाइप ऑफ एजुकेटिव ठीक है आपको पता है कि जो टाइप ऑफ एजुकेटिव है समझ में आ रहा है टाइप्स ऑफ एजुकेटिव मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं पहले कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं वहां पर जो है वह किस किस तरह से अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं ठीक है जैसे कि सबसे पहले सबसे पहले एवरी कंट्री मे नॉट हैव सेम टाइप ऑफ एजुकेटिव फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट यूएसए में क्या है यूएसए में प्रेसिडेंट है ना और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है जो भी क्वीन या फिर किंग राजाशाही शासन है ना तो यहां पर ये ब्रिटेन की बात हो गई लेकिन देखो इन दोनों के जो रोल है उसमें काफी डिफरेंस है है ना इसमें क्या है पावर एंड फंक्शंस जो है वह इन दोनों के कैसे है डिफरेंस है पावर एंड जो फंक्शंस हैं वह कैसे हैं डिफरेंस है अब ऐसे ही जैसे कि हम पीएम पद की बात करें इंडिया में भी पीएम है फ्रांस में भी पीएम है ब्रिटेन में भी है लेकिन इनकी जो रोल है जो इनकी पावर्स हैं उसमें फिर अंतर है तो चाहे प्रेसिडेंट की बात करें और यहां पर ये यह जो क्वीन है या फिर किंग है यहां पर अगर हम भूटान की बात करें ठीक है कि भूटान में भी अगर मोनार्क है मान लो तो फिर यहां पर जो सिस्टम है इन दोनों के भी पावर में अंतर होगा ठीक है इसके अलावा देखो इंडिया एंड फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस में पीएम का पद है इंडिया एंड फ्रांस ठीक है दोनों में क्या है लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात कि जो ये एक डिफरेंट होगा किस में रोल में इसकी भूमिका क्या है इसकी शक्तियाँ क्या है तो यहाँ पर एक जो अंतर है वह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देखें कि यूएसए जहां जहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएसए में क्या है राष्ट्रपति शासन कहते हैं उसे राष्ट्रपति व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठीक है अब देखो यहां पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास होती है जो हमारे पास जो इंडिया में ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है किसके पास है पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना सो so, यहां पर फुल ली तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है एजीक्यूटिव पावर है आर इन देंड ऑफ हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है कि विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई यहां पे कोई नेता है कोई लीडर है तो उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में कि हाँ तुम अमेरिका के के राष्ट्रपति तो हो है ना लोग ऐसे थोड़ा सा सरकार में, में भी बोल देते कि हाँ भाई तुम तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो पावर में ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को एक बहुत, बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं अब देखो राष्ट्रपति तो यूएसए में भी है राष्ट्रपति इंडिया में भी है अब यहाँ पर एक डिफरेंस देख ले कि देखो नेचर नेचर की बात है कि ये यूएसए की बात हो गई ठीक है यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में बता देती हूँ कि इंडिया में भी प्रेसिडेंट है ठीक है राष्ट्रपति है ना लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है तो प्रेसिडेंट है लेकिन हमारे ये क्या है सेरेमोनियल या फिर हम कह सकते हैं एक नॉमिनल हेड है एक नॉमिनल हेड है कहा जाता है नाम मात्र के प्रमुख है या फिर ये फॉर्मल है जो औपचारिक प्रमुख है देश का प्रथम नागरिक तो कहा जाता है पर यहां पर इनके पास वो शक्तियां थोड़ी है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, है? मान लीजिए कभी यही से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर क्या डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया के प्रेसिडेंट में ठीक है अब देखो हम कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है ठीक है तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट हम देखो कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमारे व्यवस्था व्यवस्था है है वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेकिन इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ क्या हो गया कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी मतलब संविधान में लिखा है कि भाई होगा मोनार्क होगा और उसके ये, ये अधिकार होंगे ये, ये पावर होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार है, है ना तो यहां पर ये कैनेडे का सिस्टम है तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड यहां पर नॉट हम ये कह सकते हैं कि नॉट ऑफ uh, ऐसा नहीं कि हर जगह जो है सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव हो इसके अलावा देखो कि हम अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहां पर भी क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है ठीक है यहां पर जो काम होंगे जो यहाँ प्रमुख होंगे उन सब उनके हेड के जो पावर्स और सारी चीजें वह डिफरेंट होंगी तो बेसिकली हम पर देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमने देख लिया कि अलग अलग जो एग्जीक्यूटिव है वह हो सकता है तो यहां पर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव स्पेशली हम इसे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव और इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया एक हमने देखा कलेक्टिव लीडरशिप के बेस पर बेस्ड ऑन कलेक्टिव कलेक्टिव लीडरशिप ठीक है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर और इससे अगेन हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है तो कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर दो होता है एक तो होगा पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा होगा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंशियल नहीं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वही जब हम देखेंगे कि सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इंडिविजुअल लीडरशिप की अगर हम बात करें ठीक है तो इसके बेस पर एक तरह का होगा जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहेंगे जो कि यूएसए में है ठीक है तो प्रेसिडेंशियल क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति के पास बेसिकली ज्यादा शक्तियां हैं तो इस बेस पर हमने कह दिया इंडिविजुअल लीडरशिप तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स के एक तो हमने कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और दूसरा हमने देखा एक व्यक्ति के पास जो शक्ति आए इंडिविजुअल इंडिविजुअल के आधार पर ठीक है इंडिविजुअल लीडरशिप के आधार पर तो कलेक्टिव में अगेन हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पार्लियामेंट्री एंड सेमी सेमी प्रेसिडेंशियल इंडिविजुअल बेस पर केवल एक ही प्रेसिडेंशियल ठीक है अब देखो कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होगा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दोनों में एक पद होगा कॉमन जैसे कि हम प्रेसिडेंट कहें, कहेंगे प्रेसिडेंट कहेंगे राष्ट्रपति फिर अंतर क्या होगा उसमें अंतर यह होगा कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो कि श्रीलंका में भी लागू है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वह केवल सेरेमोनियल हेड नहीं होगा कि बस सेरेमनी है तो सबसे ज्यादा वो होगा हो 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 या औपचारिक प्रमुख होगा हो हो बल्कि उसके पास क्या होगा हो दिन प्रतिदिन के जो डे टू डे के वर्क होते हैं वो करने के लिए भी जो पावर्स चाहिए वह उसके पास होते हैं मतलब पावरफुल जो है वह पोजीशन में रहेगा सेमी प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड दो तरह के हो सकते हैं जैसे कि हमने कनाडा की बात की कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार ब्रिटेन की बात की कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट वहां पर क्वीन किंग है तो यहाँ पे क्या कि पार्लियामेंट्री की बात करेंगे तो इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है हो सकता है कि मोनार को हो, हो सकता है कि अगर रिपब्लिक है जैसे कि इंडिया रिपब्लिक है तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे अपनाया हमने रिपब्लिक रिपब्लिक क्यों है हमारा स्टेटस क्योंकि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वह इलेक्टेड पर्सन होगा निर्वाचित होगा इलेक्टेड होगा वंशानुगत हैरिडेटरी बेस पर नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बन गया वो ब्रिटेन की परंपरा है वो छोड़ दो ब्रिटेन की परंपरा है ठीक है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है हेड ऑफ द स्टेट जो है वह इलेक्टेड पर्सन हो ठीक है क्लियर है सो पार्लियामेंट्री में क्या है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजली नोन एज पी पार्लियामेंट में क्या है अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो हेड होगा 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 वह कौन पीएम ठीक है हेड कौन होगा पी होगा पीएम पीएम जो इफेक्टिव पावर्स होंगे होंगे वो के पास ठीक है एंड यहां पर हम देखेंगे कि पीएम कौन होगा जिसे कि मेजोरिटी प्राप्त होगी पीएम कौन होगा पीएम वो होगा जिसे कि बहुमत प्राप्त होगा जो कि मेजोरिटी जो पार्टी है उसका जो नेता होगा उसका जो प्रमुख होगा उसको पीएम बनाया जाएगा ठीक है एंड ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर याद रखना कि पीएम जो है वह किसके लिए अकाउंटेबल है तो यहां पर यह अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए ये अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर अच्छा बच्चों सो पीएम एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होगी नहीं नहीं होगी बस यही बात तो यही बात बात तो तो पूछिए चार पांच बार यूपीएससी ने आप मेन पॉइंट को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म कर दो चार किताबों से खत्म कर दो चार किताबें पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है आप उसकी मेन बात ही नहीं समझ पाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कैसे आंसर आ जाएगा नहीं बन पाएगा आपसे है ना तो यहां पर याद रखना कि हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते चलो हेड ऑफ द स्टेट की हमने बात की कि यहां पर ये जो ये जो हेड है ये गवर्नमेंट का हेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख होगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली एक और विशेषता है ठीक है में क्या है दो हेड हो सकते हैं ठीक है एक तो जैसे कि जो पीएम है ये हो गया जो कि हम कह सकते कि वास्तविक शक्तियां इसके पास होंगी ठीक है और दूसरा जो है या तो प्रेसिडेंट हो गया या फिर मोनार्क हो गया जैसे कि ब्रिटेन में, तो में क्या है क्लियर है? तो है हमारा देश जिन व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है हमारे देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं जिस चीज से चल रही वो सिस्टम आपको नहीं पता होगा तो क्या यूपीएससी की तैयारी किससे से फिर किस बात की आपकी अवेयरनेस किस बात का आपका पॉलिटी पढ़ना तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ो समझो ठीक है अब सेमी प्रेसिडेंशियल में मैंने आपको बता दिया कि यहां पर देखो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वे हेड ऑफ द स्टेट होगा राज्य का प्रमुख होगा और यहां पे जो पीएम है वे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा ये बात तो ठीक है तो सेमी प्रेसिडेंशियल में फिर अंतर क्या है जब सेमी प्रेसिडेंशियल में भी सेम बात कही कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होगा लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वह प्रेसिडेंट होगा राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों में अंतर है राज्य का प्रमुख सरकार स्टेट के हेड की बात आएगी ऑल ओवर स्टेट किसी राज्य की बात नहीं हो रही है ऑल ओवर स्टेट की बात हो रही है तो जब ऑल ओवर स्टेट की बात आएगी वहां पे जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा है ना और लेकिन जब हम बात करेंगे सरकार का गवर्नमेंट का जो हेड है वो होगा आ, प्राइम मिनिस्टर जिसके पास एक्चुअली जो पावर है वह होता है ठीक है साथ ही देखो कि यहां पर हम देखेंगे कि बस इसमें डिफरेंस क्या है इसमें डिफरेंस बस इतना हो जाता है कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज्यादा पावर होती है कंपेरिजन देन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है अब ये हेड ऑफ द स्टेट है एंड ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बच्चों बात करेंगे तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट अभी तक हम बात कर रहे थे कि स्टेट का प्रेसिडेंट होगा गवर्नमेंट का पीएम होगा बट यहाँ पर दोनों का ही प्रमुख जो है प्रेसिडेंट है हमारे पास दो ऑप्शन थे अब देखो अगली बात पे हम आएंगे अच्छा और यूजली याद रखना कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है यूजली इलेक्टेड बाई डायरेक्टली बाय द पीपल तो यहां पर जो है वह डायरेक्टली इलेक्टेड होगा इंडिया में ऐसा नहीं इंडिया में डायरेक्टली इलेक्टेड हमारे जो एम पी एम एल वो जाके इसके लिए करते हैं ठीक है ठीके? और याद रखना ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर सो प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक जो ड्रॉबैक ये देखा जाता है कि ये बेसिकली अकाउंटेबल नहीं है सो नॉट अकाउंटेबल नॉट अकाउंटेबल टू विधायिका टू लेजिस्लेचर ठीक है अब आखिर हमने क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया हम इसको समझते हैं ठीक है कि प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है आखिर हमने जो है वह इस सिस्टम को क्यों अपनाया? हमें क्या जरूरत थी कि हम इस सिस्टम को अपना लें हमारे पास ऑप्शन प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी तो था फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अपनाया इस पर हम बात करते हैं यहां तक क्लियर है टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात कर ली कुछ क्वेश्चंस देख लिए है ना एग्जीक्यूटिव क्या है और एक जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर है वो भी हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को एक बार देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं यूएसए हैज प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एक्जिक्यूटिव पावर आर इन दफ द प्रेसिडेंट एंड कनेडा हैज पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी विदिट्यूशन यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन देड ऑफ द प्रेसिडेंट यस डेफिनेटलीफिनेटली सो करेक्ट इज बोथ वन एंड टू ने a presidential system the president is head of the state and as well as head of the government and this system the office of president is very powerful both in theory and practice कंट्री विथ सच अस्टम इनक्लूड द यूनाइटेड स्टेटलीटली है ना दोनों सही है चलो अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री एग्जिव पार्लियामेंट्री एगिकव इन in इंडिया कि आखिर क्यों इंडिया ने इस सिस्टम को अपनाया हम उसको समझते हैं कि हमने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था को हमने क्यों अपनाया पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को हमने क्यों अपनाया ठीक है सबसे पहले देखो कि हम जब देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ आजाद होने के पहले हाँ गुलाम था डेफिनेटली तभी आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंट कंट्री में बेसिकली हम किसी ना किसी सिस्टम को तो अपनाते ही किसी ना किसी ना सिस्टम को अपनाते और बेसिकली हम देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने कुछ बातों को एक्सपीरियंस किया उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि अभी जो जिस चीज के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर हम चाहे अनचाहे देखें चाहे हम चाह रहे थे नहीं चाह रहे थे लेकिन हम एक सिस्टम में ढल गए थे और वो सिस्टम था पार्लियामेंट्री सिस्टम अंग्रेजों ने वो व्यवस्था जो है यहां पर लागू कर रखी थी पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूंकि हम ढल चुके थे बच्चों और यहां पर हम देखेंगे कि एक्ट नाइनटीन कुछ एक्ट की मैं बात करती हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 1935, ठीक है इससे क्या था कि हमें कुछ एक्सपीरियंस जो है वह हो चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम का ठीक है तो यहां पर देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात यहां पर हो चुकी है और यहां पे हमें क्या लगा था कि बेसिकली जो हमारा जो एक्सपीरियंस इससे बना ना हमारा आके जो एक्सपीरियंस है वह इससे क्या बना देश कहीं ना कहीं चल ही रहा था इस व्यवस्था से और हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया कि एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव ठीक है तो विधायिका जो है विधायिका का, का एग्जीक्यूटिव पर क्या एक इफेक्टिव कंट्रोल रहता है हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया और कहीं ना कहीं हम एक ऐसी ही सरकार चाहते थे हम कहीं ना कहीं एक ऐसी ही सरकार चाहते थे जो कि अपना जब लॉ इंप्लीमेंट कर रही हो तो उस पर कुछ कंट्रोल हो और वो जो कंट्रोल हो वह किसका हो लेजिस्लेटिव का हो legislative पे कौन हो जिसे कि लोगों ने चुना हो हमने इस बात को एक्सपीरियंस कर लिया था बिकॉज ऑफ हाँ और अगर क्वेश्चन आता है कि कहां कहा इसका जो है वह वर्णन मिलता है तो 1919 नाइन फाइव में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसकी बात बात की गई आगे देखो सो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इस बात को इंश्योर करना चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वह रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल हो एंड सेंसिटिव हो पब्लिक एक्सपेक्टेशन के लिए ठीक है तो यहां पर क्या है कि मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पहली बात हो गई देन तो हम नेक्स्ट पर देखें कि मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको मेकर्स ऑफ आर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्टेड टू इंश्योर वॉन्टेड टू इंश्योर ठीक है क्या इंश्योर करना चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ठीक है जो गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट को अगर हम कहें तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है तो जो गवर्नमेंट है वह क्या हो पीपल्स एस्पायरेश के लिए सेंसिटिव हो ठीक है पीपल एस्पायरेशन के लिए क्या हो बच्चों सेंसिटिव हो ठीक है अकाउंटेबल हो अकाउंटेबल हो और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें और सबसे अच्छी बात यह थी कि हम इस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पाए एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट हो और ये सारी बातें हमें किस में दिखाई दे जाती है हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिखाई दे जाती है जिससे ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे और इसलिए हमने क्या किया संसदीय कार्यपालिका को अपनाया ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि हमें चूंकि एक संस्टेबल अकाउंटेबल और एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वह चाहिए थी एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वह चाहिए थी और यह सारी बातें हमें कहां पर दिखाई दी हमें इस एक्सपीरियंस में दिखाई दी जो कि हम पार्लियामेंट्री का ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कर रहे थे अब देखो हमारे पास क्या था ना एक और बेसिकली ऑप्शन uh, था ठीक है हमारे पास एक और ऑप्शन था एंड अदर ऑप्शन इज प्रेसिडेंट अदर ऑप्शन था और यह ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यहां लिख देती हूं ठीक है अदर ऑप्शन प्रेसिडेंशियल सिस्टम सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हो जाता था कि एक व्यक्ति जो है चूंकि ये इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल पावर पर ये डिपेंड ज्यादा कर रहा है तो और ऐसे में क्या था कि एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो जा रहा है कि सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए वो पोटेंशियल रखता है सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए वो पोटेंशियल रखता है और ऐसे में हमने क्या किया ऐसे में हमने इस सिस्टम को ना अपना कर हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने इसको अपना लिया ठीक है तो चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे वह चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वह हो ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या चाह रहे थे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाह रहे थे कि बेसिकली एक व्यक्ति ना हो बल्कि क्या हो कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो ये चाह रहे थे आया समझ में चलो आओ कुछ और बातों को हम समझते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल लिखा हुआ है इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं ठीक है सो बेसिकली हमने इसलिए भी पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया क्योंकि ये बेसिकली हमें एक मशीनरी प्रोवाइड करती, करती है हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है एंड पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखे हैं कि ये इंश्योर करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर अब देखो आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लॉज वन ये क्या कह रहा है शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद एड एंड आर्टिकल 74 फोर क्लॉज वन में यह कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उनकी एड एंड एडवाइस के लिए काम करेगी इसका जो head है PM होगा। सच एडवाइस प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकनसिडर

हमने इसमें पहले क्या देख लिया कि हमारे पास एक्सपीरियंस था और जो एक्सपीरियंस था ये हमारा पॉजिटिव था 1919 एंड 1935 के एक्ट से साथ ही हमने देखा कि हमारे पास जो अदर ऑप्शन था ठीक है ये अदर ऑप्शन किसका था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का था ये अदर ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का था बट हम किस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे तो हम एक गवर्नमेंट चाह रहे थे जो कि कैसी हो ये गवर्नमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हो तो हमें जो गवर्नमेंट चाहिए थी वह रिस्पॉन्सिबल uh, चाहिए थी वह अकाउंटेबल चाहिए थी सेंसिटिव चाहिए थी ठीक है अकाउंटेबल चाहिए थी सेंसिटिव चाहिए थी अब देखो सो so बेसिकली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह हमें एक मैकेनिज्म दे रहा है ठीक है सो पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदात्मक व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है ये क्या कहता है भाई बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म देता है प्रोवाइड मे, मैनी मैकेनिज्म ठीक है जिससे इस बात को इंश्योर किया जा सके ठीक है कि जो एजुटिव है जो एजीक्यूटिव है ठीक है वह लेजिस्लेटिव के लिए वह well, लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होगी जवाबदेह होगी ठीक है ये अकाउंटेबल होगी एंड रिस्पॉन्सिबल होगी और इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपना दिया ठीक है एंड रिस्पॉन्सिबल होगी इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपना लिया सो बेसिकली एजिक्यूटिव आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव एजिक्यूटिव आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव है ना एजिकेटिव अलग से भी लिख लो इस लाइन को आंसरेबल टू तो लेजिस्लेटिव और ऐसा क्यों है आप कारण जान चुके हैं ऑलरेडी ऐसा क्यों है मैं आपको रीजन बता चुकी हूं ना कि लेजिस्लेटिव जो है इसमें जो भी मेंबर्स हैं उन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है सो so दैट्स कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ठीक है so सो देखो हम इसमें देखेंगे बेसिकली कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट होंगे राज्य के प्रमुख होंगे हेड ऑफ द स्टेट ये बात यूपीएससी पूछ चुका है एक सेंटेंस में ठीक है प्रेसिडेंट जो है वह हेड ऑफ द स्टेट होंगे और अगर हम पीएम की बात करेंगे तो ये कौन होंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है और यहां पर जो है वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है अब, अब बस हमें इन्हीं सबको समझना है आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है ठीक है तो कुछ बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में प्रेसिडेंट के पावर्स के बात करें बारे में कुछ कुछ पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है अब देखो यहाँ पर यह कहा गया है कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वह कैसे काम करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो काम कर रहे हैं आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास वन के आधार पर आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास वन के आधार पर है ना और ये कैसे काम करेंगे याद रखना तो यहाँ पर एट एंड एडवाइस जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी सो आर्टिकल सेवेंटी फोर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वह मंत्री परिषद है उसके जो एडवाइस है उसके हिसाब से काम करेंगे और बेसिकली मंत्री परिषद क्या है हेड हेड ऑफ उसका जो है PM है तो जो पी कह रहे हैं एक तरह से उनकी उनकी बातों पर या उनकी एडवाइस पर काम किया जा रहा है तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या है कि बेसिकली ये एट एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं ठीक है थीके? इनकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो काम है वह करेंगे ठीक है क्लियर है अब आओ कुछ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को देखो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मेनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव सो द कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एक्जीटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट नेशनल स्टेट लेवल बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल क्या लिखा हुआ ये सो नेशनल लेवल पर हमने देखा कि नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन है उसमें है प्रेसिडेंट पीएम है न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पर क्या है गवर्नर है ठीक है सीएम है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट की होगी तो डेफिनेटली यह बात भी सही है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है स्टेट डेफिनेटली है ना तो यहाँ प्रेसिडेंट को पूछा गया है सो तो इस तरीके से तीनों बातें जो है इसमें सही है ठीक है आओ कुछ राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि जो बेसिकली प्रेसिडेंट है वह क्या होगा फिर हम बात करेंगे कि जो पोजीशन है इनकी वह क्या होगी और क्या क्या इनके पावर्स होंगे ठीक है so, सो देखो चाचा नेहरू कहते हैं कि वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट वी हैव मेड हिज पोजिशन ऑन अथॉरिटी एंड डिग्निटी हम बहुत रियल पावर तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को नहीं दिया लेकिन हम उन्हें एक तरह से एक हेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड साथ में एक पोजीशन देना चाहते थे जो गरिमामय हो कम से कम इतनी शक्तियां तो हो कि वह उस अथॉरिटी के साथ कर सके कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट नाइदर अ फील नाइदर आ रियल एग्जीक्यूटिव नॉरा मेयर फिगर हैिगर है यहाँ पर क्या है कि मुख्य संवैधानिक अधिकारी बनाना जो है वह प्रेसिडेंट को चाह रहे थे रियल पावर देना नहीं चाह रहे थे बट इतनी भी कम शक्तियाँ ना दी जाएं कि वह कुछ काम ही ना कर पाए उसका महत्व खत्म हो जाए तो बड़े ही बैलेंस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमारे संवैधानिक जो प्रमुख संवैधानिक पद है जो देश का प्रथम नागरिक होगा वो प्रेसिडेंट का पद रखा ठीक है अब देखो कि यहां पर हम देखेंगे कि कि हमने देखा कि जो है, वह कैसे काम कर रहे हैं पहले तो हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल सेवेंटी फोर वन याद है ना हाँ बस उसको याद रखना ठीक है उसको यहां नहीं बताती हूं तो यहां पर क्या है बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है ये फाइव ईयर के लिए इलेक्टेड होंगे पांच साल के लिए चुने जाएंगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो व्यक्ति जन्म से भारतीय है केवल वही इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है गलत गलत हो हो गया था यह यह स्टेटमेंट है इंडियन सिटीजन रहा एक अनिवार्यता है कि भारतीय नागरिक हो लेकिन जन्म से भारतीय नागरिक हो ऐसा नहीं लिखा ऐसा लिखा है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां का प्रेसिडेंट केवल वही बन सकता है जो जन्म से अमेरिकन हो ठीक है जन्म से क्या हो अमेरिकन हो वहां की सिटीजनशिप उसके पास हो ऐसा जैसे जो जैसे कोई व्यक्ति अगर जन्म से भारतीय नहीं है वो इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वह भारतीय नागरिक है तो जन्म से वाली बाध्यता नहीं है तो हमने यहां पर देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो फाइव ईयर के लिए इलेक्टेड हो रहे हैं ठीक है जो प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट है वह क्या हो रहे हैं फाइव ईयर के लिए इनका जो इलेक्टेड है यह हो रहे हैं ईयर के लिए इलेक्टेड है साथ ही क्या इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है नो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा ठीक है इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होगा और जो हमारे बेसिकली चुने हुए एमपीज हैं एंड एम एल ए है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है बेसिकली ये इनके इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसमें शामिल होंगे सो बाय नॉट बाय साधारण नागरिक आम नागरिक नॉट बाय ऑर्डनरी सिटीजन ठीक है सो देखो ये बेसिकली किस सिद्धांत पर आधार जो है वह ये भी पूछा गया है कि क्या ऐसी मेथड है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है सो प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लास्ट हमने बात कर ली है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सो प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विथ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम representation with सिंगल चांस पेरबल वोट सिस्टम ठीक है समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है एकल हस्तांतरणीय मत सिद्धांत के द्वारा इनको जो है वह चुना जाता है साथ ही देखो अगर हम इनके रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट के को हटाने के लिए रिमूवल के लिए जो वर्ड दिया गया है दैट इज महाभियोग इंपीचमेंट महाभियोग इंपीचमेंट ठीक है और ये जो इंपीचमेंट होगा इसका ग्राउंड आखिर क्या होगा ग्राउंड या बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करना है ना क्या होगा बेसिकली तो याद रखना कि रिमूवल किया जाएगा प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट के द्वारा और यहां पर इंपीचमेंट प्रोसेस जो है ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वॉयेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो ये क्या होगा रिमूवल के लिए बेसिकली ये ग्राउंड होगा ये बेस होगा कि संविधान का अगर उल्लंघन किया है इस आधार पर जो इंपीचमेंट है वह किया जाएगा और याद रखना ये जो प्रोसेस होगा इसके लिए स्पेशल रिक्वायर होगी है ना तो इंपीचमेंट प्रोसेस के लिए क्या होगा स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या हो है? पढ़ चुके ना हम स्पेशल मेजोरिटी तो स्पेशल मेजोरिटी बेसिकली इसके लिए रिक्वायर होगी अगर इंपीचमेंट जो प्रोसेस है इसको लेकर आना है तो अब देखो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि बेसिकली राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं ठीक है ठीके? तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कई तरह के जो पावर्स हैं वह होते हैं प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव ठीक है मतलब कई तरह की शक्तियां हैं कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जिन्हें कार्यकारी शक्तियों में गिना जाएगा कुछ ऐसी होंगी जिन्हें की लेजिस्लेटिव पावर कहा जाएगा ठीक है कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होंगे कुछ लेजिस्लेटिव पावर होंगे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होंगे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होंगे विवेकाधीन शक्तियां ठीक है एंड कुछ यहां पर जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर होंगे जुडिशियल एंड इमरजेंसी तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये सारे पावर्स जो है इंपॉर्टेंट है ये सारे पावर्स ठीक है यहां पर मैं आपसे जो बात करने वाली हूं ये बात मैं आपसे करूंगी केवल और केवल डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन शक्तियों की ठीक है तो कई तरह के पावर है अब देखो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे स्टार भी लगा देती हूँ कि क्वेश्चन यहां से आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि जो चार यहाँ पे बेसिकली जो पावर्स हैं वे लिख दी और आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा पावर जो है वह जुडिशियल में आएगा या इमरजेंसी में आएगा या फिर क्या ये जो पावर है वह डिस्क्रिप्शनरी में आएगा तो यहाँ पर आकर किस तरीके मतलब कौन से जो पावर है वे किस श्रेणी में आएंगे यहाँ से जो क्वेश्चन है वह पूछ लिया ठीक है अब यहाँ पर देखो बेसिकली बच्चों याद रखना कि ये जो सारे पावर्स हैं इन पावर्स को यूज कैसे करेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वह यूज कैसे करेंगे इन पावर्स को इन पावर्स को यूज आखिर वह कैसे करेंगे तो याद रखना कि केवल और केवल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें कि केवल उनकी एडेड एडवाइस पर सो यूज बाय ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज बाय प्रेसिडेंट इन पावर को यूज कैसे कर रहे हैं सो यूज बाय ओनली ऑन the एड एंड एडवाइस ठीक है याद रखना कि केवल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस है उसके आधार पर ही करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने मन से नहीं कर रहे हैं ठीक है तो याद रखना कि प्रेसिडेंट इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल केवल और केवल केवल, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से करेंगे अच्छा अब याद रखना बच्चों कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कब तक अपने पद पर रहेगी जब तक इसको मेजोरिटी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह कब तक बनी रहेगी तो याद रखना कि जब तक इसे लोकसभा में जो है वह सपोर्ट है सो सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन लोकसभा इन लोकसभा या पार्लियामेंट लिख दो या फिर लेजिस्लेटिव लिख दो और स्पेशल टर्म आएगा वो आएगा लोकसभा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कब तक है ये तब तक ही है जब तक इसे मेजोरिटी है ठीक है अब चलो अब हम एक बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर की और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना बच्चों डिस्क्रिशनरी पावर ये तो आपने एक बैकग्राउंड समझ लिया ये बेसिकली हम तीन तरह की जो पावर है उसकी बात करते हैं सो बेसिकली जैसे कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट right होता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वह ले सके सो प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इन्फॉर्म प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इंफॉर्म्ड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर और यह कौन बताएगा कि कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद रखना कि यहां पर जो पीएम है बेसिकली वह क्या कर रहे हैं वह प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं जैसे कि ये जो पहली कड़ी है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हो गई दूसरी जो कड़ी है वह प्रेसिडेंट की हो गई तो इन कड़ियों को जोड़ने वाला जो काम है ना ये काम किसका होगा पीएम का होगा आया समझ में तो यहाँ पर पीएम की यहां पर प्रमुख भूमिका होगी आप मुझे बताएं कि कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है कि जो पीएम है ठीक है वह सारी जानकारी या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें चल रही हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उन सभी को बताए या फिर राष्ट्रपति अगर जानकारी मांगे तो जो पी है वह जानकारी दे कहा पर लिखा हुआ है तो तीन डिस्क्रिप्शनरी पावर की हम बात कर लें चलिए पहली पावर देखो डिस्क्रिशनरी पावर विवेकाधीन शक्तियां विवेकाधीन क्या होता है वो अपने मन से भी अपने विवेक से भी कुछ काम कर सकते हैं है ना विवेकाधीन शक्तियां तो ये विवेकाधीन शक्ति आखिर क्या कौन कौन सी है इसकी हम बात करेंगे ठीक है अब देखो इसमें पहली शक्ति कौन सी आ गई डिस्क्रिशनरी पावर में पहली शक्ति जो आई है वह आई है बेसिकली कि जो प्रेसिडेंट है ये हमने आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लॉज वन को याद करो कि जो प्रेसिडेंट है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उस पर काम कर रहे थे है ना तो जो प्रेसिडेंट है वह क्या कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये एडवाइस पर काम कर रहे थे ना थोड़े से इन एरोस को बहुत ध्यान से देखना ठीक है ये सलाह पर काम कर रहे थे बट प्रेसिडेंट के पास जो राइट right है ना वो ये राइट right है बच्चों कि ये क्या कर सकते हैं सेंड बैक एंड रिकन्सिडर द एडवाइस तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि जो ये एडवाइस आई हुई थी ना इस एडवाइस को क्या कर रहे हैं कि जाओ इसको सेंड बैक कर रहे हैं सो सेंड बैक एंड रिकंसीडर द डिसीजन एंड रिकंसीडर द डिसीजन तो यहां पर ये क्या कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना इसको पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं किसी मामले पर तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया ठीक है आया समझ में ये पहला हो गया अब लेकिन देखो इसमें आगे आगे भी भी एक 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 और इसमें प्रोविजन है। अब पर काउंसिल ऑफ ने क्या किया? कि जो ये वापस आया था ना इसको फिर से वापस भेजा प्रेसिडेंट को क्या होता है कि कोई भी जो बिल है, है ना वो कभी कब कभ एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे, दे देंगे अपनी सहमति दे देंगे तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर प्रेसिडेंट के पास भेजा गया ठीक है अब देखो तो सेकेंड टाइम क्या हो गया कि यहां पर दोबारा जो है इन्होंने उस एडवाइस को भेज दिया अब इस कंडीशन में क्या होगा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा सेकेंड टाइम जो है वह किसी एडवाइस को पीएम के पास जो है वह दोबारा भेज दिया जाएगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा इसके लिए भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कुछ कहता है ठीक है तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस बैक द सेम एडवाइस आपको बताना है कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रही हूं सेम एडवाइस है ना सेम एडवाइस सेम एडवाइस तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है ना ये बाउंड हो गए अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या हो गए बाध्य हो गए अपनी सहमति के देने के लिए सो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है बाउंड बाय बाउंड बाय दैट एडवाइस अब इस सलाह को आपको मानना ही पड़ेगा तो पहली बार आप सेंडबैक कर रहे थे ध्यान रखना ये आपने पहली बार सेंडबैक कर दिया लेकिन दूसरी बार जब ये एडवाइस आई तब आप इसको मानने के लिए बाध्य थे तो इसका मतलब कि प्रेसिडेंट की जो ये रिकंसिडरेशन वाली जो ये पावर है कि पुनर्विचार करो वो अनलिमिटेड नहीं है एक बार ही भेजोगे दोबारा जब अच्छा एक बात और तो याद रखो कि ये जो रिकंसिडर के लिए भेजा ना इसमें मनी बिल के लिए ये पावर नहीं है मनी बिल को यह सेंडबैक नहीं कर सकते ध्यान रखना तो रिकंसिडर द एडवाइस है ना कि सेंड बैक रिकन्सिडर द एडवाइस बट यहां पर याद रखना कि मनी बिल को छोड़कर जो धन विधेयक है है ना मनी बिल इनको रिकंसीडर के लिए नहीं कह सकते रिकंसीडर के लिए नहीं कह सकते वापस नहीं भेज सकते मनी बिल को सेंड बैक नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ठीक है ये पहली डिस्क्रिशनरी पावर हो गई सेकेंड चलते हैं वीटो पावर ठीक है तो ये तो रिकंसिडरेशन वाली पावर हो गई अब देखो सेकेंड पावर क्या है वीटो वीटो पावर इसका मतलब क्या हो गया वही बात जहां से हमने शुरू की थी कि पीएम के पास क्या पा, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होता है कि बेसिकली कोई भी जो बिल है ठीक है ये जो बिल है ये एक्ट कब बनेगा ये एक्ट तब बनेगा जब यहां पर प्रेसिडेंट का असेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट साइन कर देंगे प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही जो ये बिल है यह कन्वर्ट होगा एक्ट में? में है ना ये जो बिल है प्रस्ताव है ये अधिनियम तभी बनेगा अब यहां पर देखो प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट है ये अपनी असेंट देने से मना कर दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट बेसिकली क्या कर रहे हैं रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल ठीक है साथ याद रखना यहां पर अदर देन मनी बिल अदर देन मनी बिल धन विधेयकों के अलावा है ना धन विधेयकों के अलावा अपनी सहमति देने को मना कर सकते हैं लेकिन याद रखना कि यहां पर क्या है कि बेसिकली रिफ्यूज कर दिया कि अब हम जो है अपनी सहमति नहीं देंगे इसको मना कर दिया रोक दिया अब लेकिन क्या हो गया कि क्या प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है इसको भी यहां पर देख लेते हैं सो वीटो पावर इज लिमिटेड क्यों वीटो पावर इज लिमिटेड या तो आपने यहां पर देखो अपनी सहमति नहीं दी थी रिफ्यूज कर दिया रिफ्यूज कर दिया था अपनी सहमति को कई तरीके से हो सकते हैं जैसे कि पॉकेट वीटो होते हैं और भी कई तरीके के वीटो होते हैं तो यहाँ पर जो ये वीटो शक्ति है क्या वह लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है तो याद रखना ये जो शक्ति है वह लिमिटेड है क्योंकि अगर पार्लियामेंट सेम बिल को दोबारा वापस पारित करके भेजती है अगर जो पार्लियामेंट है वह क्या कर रही है सेम बिल को अगेन भेज रही है सेम बिल अगेन भेज रही है तब यहां पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे तो प्रेसिडेंट अब यहां पर भी बाउंड हो गए सो प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू गिव असेंट टू दैट बिल ठीक है तब इस बिल पर सहमति देनी होगी तो यहां पर क्या है कि अब आपको सहमति देनी ही देनी है तो ये क्या हो गया बेसिकली कि जो आ, हम कह रहे थे कि ठीक है डिस्क्रिशनरी पावर तो है लेकिन ये लिमिटेड पावर ऐसा नहीं कि कितने बार भी जो है वे आप सेटबैक कर दो ठीक है तो यहां पर क्या किया था यहां पर कहा था कि विचार कर लो यहां पे सहमति देने से बना कर दिया था तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने बिल को वापस लौटा दिया दूसरा एक और तरीका हो सकता है जैसे कि पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है अब देखो ये पॉकेट वीटो क्या है पॉकेट वीटो ये है कि लंबित कर दिया भाई है ना जेब में रख लिया नहीं दे रहे हम सहमति सो ये हो गया पॉकेट वीटो तो यहां पर क्या होता है कि जैसे कि इसका एक अच्छा इस्तेमाल किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ठीक है ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा हम यहां पर देखें 1986 में और यहां पर एक बिल हुआ था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल और बेसिकली इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये जो बिल है ना वह बेसिकली क्या कर रहा है कि जो एक्सप्रेशन या प्रेस की फ्रीडम है उसको बेसिकली बाधित करेगा ठीक है उसको ये रोकेगा तो यहां पर इसका जो एक क्रिटिसाइज क्रिटिसिजम में चल रहा था कि ये जो फ्रीडम टू द प्रेस है इसको ये रोकेगा ठीक है कटिल करेगी अब देखो कि यहां पर क्या हुआ कि इस वक्त हम देखेंगे कि आ, जो शुरू में जो ज्ञानी जेल सिंह थे उन्होंने अपनी असेंट देने से मना कर दिया फिर उसके बाद देखेंगे कि बाद में जो वेंकट रमन है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने भी क्या किया कि रिकन्सिड्रेशन के लिए वापस कर दिया रिकन्सिड्रेशन के लिए वापस कर दिया लेकिन बाद में हम देखेंगे कि फिर से नाइनटीन के नाइन के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट और कॉलेशन की गवर्नमेंट आती फिर ये बिल आया ही नहीं और इस तरह से राष्ट्रपति ने अपनी असेंट नहीं दिया तो एक ऐसा बिल जो है वह एक्ट बनने से बच गया जो कि प्रेस की फ्रीडम को कटिल कर सकता था कम कर सकता था तब बताया क्या है कि एक इंपॉर्टेंट है ये वीटो पावर तो यहां पर देखो कि पॉकेट वीटो का मतलब क्या है पॉकेट वीटो का मतलब है जस्ट कीप, कीप द बिल विदाउट एनी टाइम लिमिट कीप द बिल कीप द बिल विदाउट एनी टाइम लिमिट विदाउट एनी अब बिना किसी समय सीमा के आपने क्या किया बिल को अपने पास रख लिया विदाउट एनी टाइम लिमिट बिल जो है अपने पास रख लिया ये हो गए दो डिस्क्रिशनरी पावर अब तीसरा है जो कि पॉलिटिकल सर्कमटांसिस के कारण पैदा होता है ठीक है एक तो रिकंसिडरेशन वाला हो गया दूसरा वीटो पावर हो गया अब देखो तीसरा क्या है इसमें थर्ड देखो थर्ड जो डिस्क्रिशनरी पावर है बच्चों ठीक है ये होगा पॉलिटिकल सरकम सर्कम के कारण पैदा होगा राजनीतिक परिस्थितियां हम सभी जानते हैं पीएम को अपॉइंट करता है कौन प्रेसिडेंट तो पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अब देखो हाँ ये बात भी सही है कि प्रेसिडेंट जो है केवल उसी व्यक्ति को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं जो कि मेजोरिटी जो है उसका जिसको मेजोरिटी मिली हो उसका नेता हो लीडर हो ठीक है तो प्रेसिडेंट बेसिकलीस किसको अपॉइंट कर रहे हैं है? उस व्यक्ति को जिसके पास क्या हो कि ये आ, लीडर जिसके पास क्लियर मेजोरिटी हो ठीक है स्पष्ट बहुमत हो क्लियर मेजोरिटी सपोर्ट हो अब लेकिन एक कंडीशन देखो हमने देख लिया कि बहुमत दल का जो नेता है उसे पीएम अपॉइंट कर रहे हैं बट एक कंडीशन है और ये कंडीशन ये है 1989 के बाद क्या होता है 1989 के बाद जो यहाँ पर कोल्यूशन की गवर्नमेंट आती है गठबंधन की जो राजनीति शुरू होती है कोल्यूशन की गवर्नमेंट क्या है कि जब एक से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह आपस में मिलकर सरकार को बनाती है तो यहां पर 1989 के बाद से देखो गठबंधन की राजनीति जो है वह शुरू हो गई और ऐसे में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जिसके पास क्लियर मेजोरिटी हो सो नो लीडर हैज नो लीडर हैज क्लियर मेजोरिटी ज आ क्लियर मेजोरिटी और ऐसे में क्या होगा कि अब जो है वह पीएम एम किससे अपॉइंट करना है इसके बारे में जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर बढ़ जाती है तो ये कंडीशन ऐसी है जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देती है प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि जो पीएम है वह किससे अपॉइंट करना है ना तो अगर मान लो किसी दल को क्लियर मेजोरिटी मिल जाए तब तो ये पावर नहीं है बट एक कंडीशन ये है कि अगर पर यह कंडीशन है कि अगर Uh, मान लीजिए कोई भी ऐसा जो दल है वह नहीं है जिसे कि क्लियर मेजोरिटी मिली हो तब क्या होगा तब ऐसे में पीएम कौन होगा इससे अपॉइंट करना बेसिकली पीएम का सॉरी uh, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ठीक है प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ठीक है तो ये तीन हो गया कि डिस्क्रिशनरी पावर अब चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखो जरा Where the president can exercise the power using his or her own discretion. The president can send back the advice given by the council of ministers and ask the council to reconsider the decision. Hmm. The council can still send back the same advice, and the president would, would then be bound by that advice. पढ़ा ना हमने ये वही तो बातें लिखी हुई है करेक्ट पूछा है आपसे बता दो दोनों करेक्ट है नेक्स्ट कंसिडर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट वीटो पावर द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर हैज ही कैन एंड रिफ्यूज टू गिव अट टू बिल अदर देन मनी बिल पास बाय पार्लियामेंट दिस वीटो पावर इज अनलिमिटेड अनलिमिटेड बताया कि लिमिटेड बताया प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट दिस इज समाइम रेफर एज पॉकेट वीटो नेक्स्ट देखो मेन्स में क्वेश्चन की द प्रेसिडेंट मतलब मीन्स के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल पावर होल्डर एंड अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन यू मे वंडर व्हाई देन वी डू वी नीड अ प्रेसिडेंट अगर ये केवल सेरेमोनियल हेड है देन हमें जरूरत क्यों है क्यों जरूरत है आखिर हमें प्रेसिडेंट की अच्छा ये देखो हमने देखा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया अब इस बात का महत्व तो समझता प्रेसिडेंट आपका खत्म हो गया चैप्टर ठीक है तो यहां पर क्या है कि हमने यह देखा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है यह कब तक अपने पद पर है जब तक कि इन्हें मेजोरिटी प्राप्त है अगर इन्हें मेजोरिटी नहीं है अगर ये मेजोरिटी को मान लीजिए ये लॉस कर दे, खो दें उसके बाद जो है जब तक अब अब सरकार कौन चलाएगा अब सरकार कौन चलाएगा एक प्रॉब्लम हो गई ना तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये रिमूव हो जाए एंड एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह उस प्लेस पर आए लेकिन बेसिकली ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें कोई तो चाहिए कि हेड ऑफ द स्टेट हो तब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई हेड ऑफ द स्टेट तो चाहिए ना कोई हेड ऑफ द स्टेट तो चाहिए और ये बेसिकली क्या काम करेंगे बेसिकली इस सिचुएशन में एक हेड ऑफ द स्टेट जिसका एक फिक्स टर्म हो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी चली जाए तो प्रेसिडेंट भी हट जाए तो इन्हें फिक्स टर्म है इनके पास और बेसिकली याद रखना कि ये ही चूंकि अब ये भी देखा हमने नेक्स्ट कि पीएम को अपॉइंट कौन करेगा नेक्स्ट पीएम को अपॉइंट करने के लिए आपको प्रेसिडेंट चाहिए नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का पद है वह डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट है हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कि एक फिक्स टर्म वाला कोई तो है सो रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑर्डनरी बिसाइड्स वे नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी सो प्रेसिडेंट के पास ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बेसिकली चॉइस एंड अपॉइंटिंग द पी एम ऑफ रन ऑफ रन कंट्री को रन करने के लिए जो पी एम अपॉइंट करे ये उनके लिए एक स्पेशल हो जाता है तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास कोई एक हेड ऑफ द स्टेट जो है वह ऐसा जरूर होना चाहिए चलो नेक्स्ट हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है कि फाइव ईयर के लिए इलेक्टेड किया जाता है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ऑफिस है ये हमने कहाँ से लिया है आपको बताना है कि हमने किस देश से लिया है किस देश से हमने ये जो पद है वह लिया है ठीक है हिज इलेक्शन मैथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट तो मैथड जो है वह सिमिलर है ठीक है एंड द ओली डिफरेंस इज देंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज तो यहां पर देखो कि यह बेसिकली एक अंतर हो गया वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फॉर हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा अब देखो इसमें याद रखो कि यहां पर रिमूवल जो है वह इनका कैसा होगा तो रिमूवल के लिए जो बेसिकली रेजोल्यूशन लाया जाएगा ये लोकसभा में नहीं लाया जाएगा है ना तो यहां पर इसको लाने के के लिए केवल राज्यसभा राज्यसभा क्योंकि राजसभा के ही सभापति के रूप में बेसिकली जो वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है वह काम करते हैं द द एक्ट इन एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तो यहां पर देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है ऑटोमेटिकली है ना अपने आप एक्स ऑफिशियो या फिर हम पदेन शब्द इसके लिए यूज करते मतलब इसका एक सही मतलब ये भी होता है कि जब आप एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के अधिकारी हो गए जब आप एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के अधिकारी हो गए तो यहां पर ये यह क्या हो गया एक्स ऑफिशियो जैसे कि हम देखते हैं कि आप मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ते हैं इकोनॉमी में और आप मॉनिटरी पॉलिसी में देखेंगे कि कि जो आरबीआई गवर्नर है चूकी वह आरबीआई गवर्नर है सो आप मॉनेटरी पॉलिसी हो जैसे कि पहले योजना आयोग जो पीएम होता था वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था जैसे कि नीति आयोग की बात करें तो जो पीएम है वह नीति आयोग के चेयरपर्सन है तो यहाँ पर एक पद पर रहते हुए जब आप दूसरे के अधिकारी हो गए दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफिस तो यहां पर क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है आप बन गए सो so, यहां पर क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वेन देयर इज अ वैकेंसी बाई रीजन ऑफ डेथ रेजिग्नेशन रिमूवल इम्पीचमेंट ये पद बताए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है रेजिग्नेशन

जैसे तारों के बीच में चंद्रमा होता है बस वही स्थिति है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में पीएम की ऐसा कहा जाता है कुछ कुछ जो रहे राजनीतिक ठीक है उन्होंने इस बात को कहा कि जो पीएम है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल है ठीक है so, सो यहाँ पर लास्ट है ये आपका लास्ट टॉपिक है ना अच्छा इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का भी है सो so, इंपॉर्टेंट है चूँकि एजिकेटिव हमें इसको पढ़ना ही होगा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात तो आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास वन में की गई आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लाज वन में कि पीएम की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनका जो हेड है वह वह प्राइम मिनिस्टर होगा है ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वह कौन होगा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर समझ में आ रहा है प्लीज कॉमेंट करके बता देना ठीक है प्रधानमंत्री क्योंकि आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि मैम अच्छा लगा क्लास नहीं लगा आगे हम और सुधार कर पाएंगे बच्चों तो प्रधानमंत्री या जो प्रेसिडेंट है वह क्या कर रहे हैं है? वह इसको हेड कर रहे हैं ठीक है थेके? सो याद रखना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में इसेंशियली पीएम हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा सो हमने ये बात अभी तक जान ही चुके हैं हम फिर भी लिख लो कि पीएम वही होगा पीएम जिसे सपोर्ट एंड मेजोरिटी में इन लोकसभा इन लोकसभा साथ ही साथ अगर लोकसभा में जो मेजोरिटी है वह लॉस हो जाता है तब क्या होगा अगर मान लो कि जो मेजोरिटी है वह खो गई सो so, इफ मेजोरिटी जो है वह खो जाए तब क्या हो तब हम देखेंगे कि जो पीएम है वो क्या होंगे वो अपना जो ऑफिस है जो अपना पद है वह छोड़ देंगे सो so, इफ ये कंडीशन हो जाए देन क्या होगा तो ध्यान याद रखना कि पी एम ऑफिस ठीक है कि जो अपना पद है वो उन्हें अपना छोड़ना होगा यह कंडीशन यूपीएससी पूछ चुका है इस तरह की कंडीशन ठीक है ध्यान रखना तो यहां पर याद रखना कि मेजोरिटी अगर लॉस्ट हो जाए खत्म हो जाए तब अब 1989 के बाद हम देखेंगे कि कई ऐसे ओकेजन आए 1989 के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोल्यूशन गवर्नमेंट आई गठबंधन की सरकारें आई उसके बाद से जो है वह क्या फर्क पड़ा आखिर हम उसको समझते हैं ठीक है थीके? उसके बाद से क्या फर्क पड़ा हम उसको समझते हैं सो पीएम नाइनटीन मैनी ओकेजन 1989 एटी नाइन मैनी ओकेजन वेन नो पार्टी कोई भी ऐसी पार्टी ही नहीं थी जिसे क्लियर मेजोरिटी हो वैन नो पार्टी हैड मेजोरिटी इन लोकसभा हैड मेजोरिटी इन लोकसभा और ऐसे में क्या हुआ अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तब ऐसे में कोलेशन गवर्नमेंट आती है ठीक है गठबंधन की जो सरकार है वह आती है सो वेरियस देन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी देन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टूगेदर हैव कम टूगेदर एंड फॉर्म अ गठबंधन एंड फॉर्मा कोलेशन है ना फॉर्मा गठबंधन कोलेशन गट बंधन क्लियर कि जब एक से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह एक साथ आकर सरकार को फॉर्म करती हैं, तो 1989 के बाद हमारी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव यह देखा गया अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि जो पीएम का काम होगा ये डिसाइड करना होगा ये 1989 की हमने यहां पर बात कर ली ठीक है अब आगे हम देखेंगे कि पीएम का जो मेन काम है वह क्या है तो जब जो, जो मेजोरिटी में आ गया वो सरकार बनाने लगा बहुमत दल का नेता जो है वह पीएम बन गया अब पीएम का जो मेन काम है वह क्या होगा कि जो लीडर्स है वह कौन होगा इसको सिलेक्ट करना ठीक है सो बेसिकली डिसाइड विल बी द मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु बी द मिनिस्टर्स हु ministers इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है साथ ही याद रखना कि ये जो मिनिस्टर्स है इनको रैंक और जो है वह एलोकेट करना ठीक है एलोकेट रैंक एंड विभाग पोर्टफोलियो एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियो किसका कौन सा विभाग होगा किसके द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था एंड पोर्टफोलियो है ना और ये जो डिपेंड्स करता है जानते हो कैसे कि किसका कितना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड एंड सीनियरिटी एंड जो सीनियरिटी है ना जो वरिष्ठता है कि कौन कितना वरिष्ठ है एंड सीनियरिटी वरिष्ठता के बेस पर इस बात को तय किया जाता है अब एक क्वेश्चन आता है ठीक है मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूं यूपीएससी ने पूछा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है या फिर मंत्रिमंडल में आ सकता है जो कि मिनिस्टर ना हो किसी पार्लियामेंट का कोई सदस्य ना हो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है अगर वह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो क्या उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है यस डेफिनेटली सो विदाउट बीइंग देखो यूपीएससी क्या करता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कंडीशन बेस्ड कि जैसे कि अगर जो पीएम है ठीक है उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या होगा है ना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है देन क्या तो हम यहां पर देखेंगे कि विदाउट एन एमपी विदाउट बींग एन एमपी क्या आप मिनिस्टर्स जो है वह बन सकते हैं मिनिस्टर इलेक्टेड याद रखना इसका आंसर है यस yes. बस एक कंडीशन लगा दी कि विद इन सिक्स मंथ छह माह के भीतर विद इन सिक्स मंथ आपको क्या करना होगा विद इन सिक्स मंथ आपको पार्लियामेंट का जो मेंबर है वह बन जाना होगा पार्लियामेंट यह एक कंडीशन हो गई ठीक है कि विद इन सिक्स मंथ आपको पार्लियामेंट का जो मेंबर है मिनट ठीक है इन सिक्स मंथ आपको पार्लियामेंट का जो मेंबर है टेक्नोलॉजी है ना कभी कभी काम नहीं करती पार्लियामेंट मेंबर ठीक है क्लियर है इतना चलो अब आगे देखो अब आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसका साइज क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या सबको आप मंत्री पद दे दोगे कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तब ज्यादा होती है कि भाई हमारी पार्टी को जो है वह ये मंत्रालय दो हमें यह मंत्री बनाओ तो आखिर जो साइज है वह क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा पहले ये जो आकार है वह फिक्स नहीं था बाद में इसको फिक्स किया गया क्योंकि जरूरत आन पड़ी थी और ऐसे में 91st फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया 2003 कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज है शेल नॉट एक्सीड शेल नॉट एक्सीड 15 परसेंट ऑफ टोटल मेंबर ऑफ 15 परसेंट ऑफ टोटल टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ पीपल ठीक है 15 परसेंट ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल हो गया इतना क्लियर अब हम बात करेंगे कुछ सिद्धांतों की अच्छा यहां पर हमने बात की कि पीएम जो है वह क्या क्या कर रहे हैं ठीक है ठीके? यहां पर हमने बात की कि 1989 में बेसिकली जो पोलिशन गवर्नमेंट वाला था यह आया कि जब किसी को स्पेशल जो मेजोरिटी है वो नहीं मिल रही थी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी तब क्या हो रहा था कि किस तरीके से पोलिटिकल पार्टी जो है वे एक साथ आकर सरकारें बनाने का जो काम है वह कर रहे थे क्लियर है इतना आगे चले चलो सो नेक्स्ट देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देख लो जरा एक बार क्वेश्चन बताओ देखो बीच बीच में क्वेश्चन पूछना एक थोड़ा सा हम हट भी जाते हैं उस चीज से कि चलो कंटिन्यू जो है वह राइटिंग कर रहे हैं राइटिंग कर रहे हैं है ना मन लगा रहता है चलो क्वेश्चन को देखो असेसमेंट भी हो जाता है कितना समझ में आ रहा है हम पढ़ेंगे कि जो पी है आखिर पी की प्री एमिनेंट जो पोजिशन है वह क्यों होती है स्थान क्यों है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह एक प्रिंसिपल पर काम करती है उस प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज इजेंशियल दैट द पी एम हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द राज्यसभा ठीक है अरे ये क्या लिखा हुआ है पीएम को मेजोरिटी राज्यसभा में मिले सही है क्या ये अभी मैंने बताया लोकसभा गलत हो गया फॉर्मली फॉर्मलिया लीडर कितने बच्चों को ये राइट right लगा था ये बताओ अगर किसी को लगा था लिख दे रहा कॉमेंट में कि मैम मुझे राइट right लगा था क्यों लगा था राज्यसभा नहीं पढ़ पाए थे या कंफ्यूज हो गए थे यही सीढ़ी मिस्टेक्स है कि अभी तो मैं आपको बता दे रही हूँ एग्जामिनेशन में आप अकेले होते हैं ये बड़ी दुविधा वाली बात है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आप देखेंगे कि सब कुछ ब्लैंक हो गया ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ कुछ काम ही नहीं आया क्या किया साल भर वो एक दिन ऐसा होता है अगर आपकी सिंसैरिटी में कमी आ रही हो ना एक बार जाके एग्जाम हॉल पेपर दे आना अटैम्प्ट का बस सोचना दे आना फिर भी पर अगर आपको लग रहा है कि आपने दो तीन साल ऐसे बर्बाद कर दिए फिर भी सिंसेरिटी आप में नहीं आ रही एक बार देखना और एग्जामिनेशन हॉल वाली जो सच्चाई है ना उसको समझ में आना उस वक्त आप अकेले होते हो आपका दिमाग सब कुछ भूल जाते हैं ऐसा लगता है कि कुछ काम का नहीं था कोई जीवन में ना कोई रिलेशन काम का था ना टीचर काम की थे ना किताबें काम की थी ना खुद की मेहनत काम आई प्रैक्टिस काम आती है जितना आपने खुद को उस एक साल में कोशिश की है ना जितनी आपने प्रैक्टिस की है वो काम आती है उस एक दिन में उस एक दिन के लिए तो हम आप देखेंगे कि ओलंपिक के कुछ सेकंड्स के लिए में जो मेडल मिल जाते हैं उन सेकंड्स के लिए लोग 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपका करियर है आपका करियर इससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए अर्श से, से फर्श वाली नौकरियाँ है है ना बहुत सारे लोगों को दिखता है कि भाई हमें जो है वह पावर पोजिशन प्रेस्टिज के लिए करना है वैसे कहा जाता है कि यूपीएससी जो अभी एक जॉब नहीं है ये काइंड ऑफ सोशल सर्विस है मैं यूपीएससी के चेयरमैन रहे दीपक गुप्ता सर को सुन रही थी इंटरव्यू उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि क्या इसी सेट को हटा दें या केवल टेंथ लेवल का रखो क्यों इतना हार्ड पूछ लिया उन्होंने कहा कि हमें बच्चे के अकॉर्डिंगली जाना ही नहीं है ना हम किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली सोचे तो क्या होगा हमें कैंडिडेट सेंट्रिक नहीं बनाना है हमें सर्विस सेंट्रिक उस कैंडिडेट को बनाना है अगर वो उतना काबिल बन सकता है तो सर्विस में आए ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा हो तो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपेरेटिवली वो भी ना एक, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को ढूंढ रहे तो जिसने बैलेंस बना लिया होता है अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बहुत से लोगों ने तो जॉब के साथ निकाला होता है तब कैसे वह कर लेते हैं फिर कैसे उनसे यूपीएससी क्रैक हो जाता है उन्होंने जॉब के साथ साथ कैसे किया हुआ होता है कि जॉब भी कर रहे थे टाइम भी निकाल लिया न्यूज़पेपर भी कर लिया आंसर राइटिंग भी कर लिया टॉपिक भी सारे कवर कर लिया ऑप्शनल भी पढ़ लिया सिसेट भी कर लिया आया आया तो तो फोकस हो गया आंसर तो राइटिंग कर ली टेस्ट सीरीज भी कर ली कैसे कैसे मैनेज किया इसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो देश कैसे मैनेज करोगे किसी भी देश की जो गवर्निंग बॉडी है वह कैसे काम कर रही है ये बताएगा कि वह देश कितना तरक्की करेगा और अगर हमने सिविल सर्विस सर्विसम का बैकबोन है ये और अगर ये बैकबोन है हमारे देश में एग्जीक्यूटिव की बैकबोन है जो भी मंत्री मिनिस्टर्स योजनाएं लागू कर रहे हैं कौन बना रहा है ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं अगर ये बैकबोन है तो कमजोर कैसे कर दे कि एक बच्चा कह बच्चे नहीं जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते उनका लेवल क्या तो उनके लेवल का क्यों सोचे उनके अच्छा एक बात और उन्होंने कही कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम डिजेंट बेटर अगर आपने फिल्म क्वालिफाई कर लिया तो उसमें तो मीडियम नहीं समझ में आ रहा मेंस की बात है तो आंसर राइटिंग का जो तरीका है अगर अच्छा होगा तो मैटर हिंदी और इंग्लिश है ना तो अगर फिल्म में ही बच्चे छट जाते हैं हिंदी मीडिया में और आगे हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन देखो दी एम एंड ऑल मिनिस्टर्स हैव टू बी द पार्लियामेंट एंड इफ समर पी एम विदाउट बींगी सच गेट इलेक्टेड

द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बस इसी को पढ़ाने वाली हो अभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह क्या है टू द प्रेसिडेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट नो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट एकजुटता का सिद्धांत साथ में साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे है ना हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे वो वाली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ये जो टैगलाइन है ना ये मैं नहीं कह रही सब किताबों में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वो एक साथ डूबते हैं एक साथ तैरते हैं मतलब एक ही नाव के हैं सारे ऐसा नहीं कि कोई एक बच जाए एक मंत्र अब देखो फिर मैं कंडीशन की बात यूपीएससी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है कि अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ नो no कॉन्फिडेंस जो मोशन है वह आता है पारित हो जाता है देन क्या होगा तो सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन दे देगी क्यों क्योंकि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं एकजुटता का सिद्धांत सामूहिकता का सिद्धांत है ना सो so, यहां पर सेकेंड रॉन्ग होगा है ना चलिए एक क्वेश्चन और देखो पीएम देखें कि पीएम का जो फ्लो है बेसिकली पावर का वह किसके सोर्स से होगा कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिपरिषद पर एक नियंत्रण होगा लीडरशिप ऑफ द लोकसभा कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन एक्सेस टू मीडिया प्रोजेक्शन एंड पर्सनालिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस आप देखते हैं कि मोदी जी जो है ठीक है लोग कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे लोग नहीं भी होते वहाँ पे भी ऐसे ऐसे भाइयों बहनों वाला हाथी लाते हुए निकल जाते हैं वह आसमान में ऐसा करते हैं इस तरह की पोस्ट वायरल होती है तो वहां पर क्या है कि देखो उनकी लीडरशिप में आप किसी पार्टी को ना सोचे कि वह बीजेपी है कांग्रेस है ए बी सी कोई भी कोई भी पार्टी है हम यहां पर किसी की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई जो लीडर है वह दमदार है आपको देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वह स्ट्रिक डिसीजन ले सकता है आपको यह लग रहा है कि पूरे देश विदेश में जो हमारी छवि वह स्ट्रांग हो रही है तो अगर हम एज अ पर्सनैलिटी एज अ लीडर पर देखें तो वो लीडर किस तरीके के डिसीजन ले रहा है इससे उसको पावर मिलेगी ठीक है नाइनटीन के बाद पहली बार टू

ठीक है अगर 89 के बाद से 2014 तक अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा या फिर गवर्नमेंट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा डिसीजन दिखाई नहीं दे रहा अगर चार लोगों से पूछ के कोई डिसीजन हो रहा है या नेगोशिएटर की भूमिका में अगर पीएम है उसके पीछे पॉलिटिकल सर्कमटांसेस थे और वो सर्कमटांसेस ऐसे थे कि हमारे यहां जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट किस पर स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा और स्पेशल मेजोरिटी तो है ही नहीं ठीक है अब मेजोरिटी की अब भाई चेयर है चेयर के चार पाए हैं एक टूटने का खतरा कभी भी है एक टूटा सरकार गई मेजोरिटी चली गई पॉलिटिकल पार्टीज के के साथ मिलकर जब एक कोलैब होकर गठबंधन की सरकार आती है तब पीएम कैसे स्ट्रांग होगा पीएम की शक्तियां कई बात से आती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसका अपना व्यक्तित्व क्या है उसका अपना व्यक्तित्व क्या है अब जैसे कि हम एज अ पी हम मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे ठीक है लोगों को लोगों ने शायद बहुत कम उनको बोलते सुना होगा तो यहां पर कुछ लोग उनको बोलते थे कि हमारा प्रधानमंत्री बड़ा, बड़ा जो है वह मौन है है ना? यहां पर क्या है कि उन एज अ इकोनोमिस्ट अगर आप देखेंगे तो 1991 के बाद 1991 के बाद के जो रिफॉर्म्स और सारी चीजें वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो यहां पर उनकी पर्सनालिटी वो एग्रेसिवली नहीं थी जो आपको मोदी जी की दिखाई देती है तो पर्सनालिटीज पर बहुत एक डिपेंड्स करता है पीएम के क्या पावर होंगे एंड इसके अलावा देखो कि बहुत अच्छे डिसीजन उन्होंने भी लिए बट उस वक्त की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और थी आज की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और ऊपर से पर्सनैलिटी तो यहां पर क्या होता है कि बेसिकली एक तरीके से हम देखेंगे कि पीएम के जो पावर है वह कई एक्सेस टू मीडिया पहले इतना मीडियाबाजी इतना सोशल मीडिया नहीं था अब आप देखेंगे कि चाहे प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो किसी आ, 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 स्टेट का गवर्नर हो ठीक है आप देख लेंगे कि इंस्टा पर अकाउंट्स मिल जाएंगे आप देखेंगे कि यूट्यूब अकाउंट्स मिल जाएंगे इतने सारे चैनल्स हैं उससे फिल्म आप देखेंगे कांग्रेस का भी जो अकाउंट्स और यूट्यूब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वहीं बीजेपी की भी मिल जाएंगी बाकी तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया का एक्सेस है ना ये डिपेंड्स करेगा डिपेंड्स करता है कि जैसे कि आप देखें किसी को डिफेम करना हो कोई 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 ऐसे कोई वीडियो कोई ऐसा पोस्ट डिफेम कर दो उसको तो यहां पर क्या अब जो सोशल मीडिया है उसमें बड़ी भाई मोदी जी को इतना पावरफुल दिखाया जाता है तो यहां पर क्या है कि यहां पर बेसिकली ये एक सोर्स हुआ कि आखिर क्यों पावरफुल है ठीक है so, सो और पर्सनालिटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस आप देखिए चुनावी अभियान के द्वारा जो एक व्यक्तित्व उभरता है कि जैसे इंदिरा गांधी की बात करें है ना इंदिरा गांधी की बात करें राजीव गांधी की बात करें आप देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन, उनका जो व्यक्तित्व है उनकी जो पर्सनालिटी उनका जो चुनावी अभियान था उसके दौरान तो बहुत सी ऐसी चीजें देखती है आप मोदी जी का देखेंगे कि जो वो जनसभाएं रैली कर रहे हैं उसमें तो ये सारी चीजें होती है कि उनके पास पावर जाता है तो इसमें इस स्टेटमेंट में क्या आएगा सभी बेसिकली पीएम के सोर्सेस होंगे ठीक है चलिए हाँ एक बात और इसमें बची है वो और समझ लो एक नहीं दो पॉइंट और फिर हम ब्यूरोक्रेसी पे आएंगे थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एजुकेटिव है बच्चों जितने प्यार से और जितने अच्छे से समझ लोगे ना इस चीज को वो ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा सो देखो हम यहां पर बात करेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है विथ ज बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट ठीक है अब इसमें वही हो गया कि बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वह ये कहता है ठीक है ये जो सिद्धांत है वह क्या कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिकता सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है में भी लिख लो काम आएगा सामूहिक उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व ठीक है और यहां पर एकजुटता वर्ड लिख लोक एकजुटता का सिद्धांत ठीक है कि सभी जो है वह एक है अब देखो यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि दैट आर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दैट आर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो अविश्वास का प्रस्ताव है सरकार गिराने के लिए लाया जाता है कि मेजोरिटी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव है ना अविश्वास प्रस्ताव तो दैट आर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एवर अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर अब देखो इसका मतलब क्या होगा एवर अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर ये पारित हो जाए सिंगल मिनिस्टर ठीक है अब मैं यहां पर दो या तीन स्टार लगा देती हूं प्रश्न आया हुआ है सिंगल मिनिस्टर ठीक है So, अगर एक मंत्री के खिलाफ भी तब इस कंडीशन इस सिचुएशन में क्या होगा इस कंडीशन इस सिचुएशन में ये होगा रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन ऑफ इंटायर ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी जो मंत्रिपरिषद है इसे इस्तीफा देना होगा पूरे मंत्रिपरिषद को पूरे जो मंत्रिपरिषद है इसे इस्तीफा देना होगा अगर एक भी मंत्री के खिलाफ एक और बात इसमें तय है ठीक है यहां पर यह सिद्धार्थ बच्चों एक दूसरी बात भी कहता है कि अगर भाई तुम्हारे जाने से हम जा रहे हैं इससे अच्छा है कि अगर तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो तो अपने आप या तो रिजाइन कर दो या तो फिर हमारे मत के साथ जो है अपनी सहमति दे दो सो so, यहां पर इट ऑल्सो इंडिकेट इफ आ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विथ आ पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इस बात को भी आप ही लीजिए इफ इट ऑल्सो इंडिकेट अच्छा यहीं पर लिख देते हैं बिकॉज ऑफ यहीं से जुड़ा हुआ है इट also indicate if a minister if a minister does not agree if a minister does not agree with a policy with a policy or decision with a policy or decision ऑफ द कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट अब ये क्या करे अगर ये डिसएग्री है ड नॉट एग्री है ना ये डिसएग्री है तब ये क्या करे ये इसके पास दो ही मौके है दो ही इसके पास कि एक्सेप्ट ऑप्शन है कि आद एक्सेप्ट और रिजाइन या तो खुद रिजाइन दे दे या उसको एक्सेप्ट कर ले तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट देखो बेसिकली so ये क्या है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली वही बात है ना हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे वो वाली बात है कि पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं वह एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं क्लियर चलो नेक्स्ट चलते हैं अच्छा एक बार थोड़ा सा और समझ लो कि आखिर जो पीएम है वह प्रीएमिडेंट पोजीशन पर क्यों हैं ठीक है ठीके? फिर ब्यूरोक्रेसी है लास्ट आपका कि जो पीएम है वह एक प्रीएमिडेंट पोजीशन पर कैसे हैं आखिर कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पीएम का स्थान है वह क्या है सर्वोपरी है ठीक है तारों के बीच में चंद्रमा की जो परिभाषा है चंद्रमा इनको कहा गया सो प्री एमिनेंट प्लेस पहली बात तो यह है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब एक और कंडीशन सुनो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर जो पीएम त्याग पत्र दे देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है कैन कैन नॉट नॉट विदाउट द पीएम विदाउट द पीएम और इस ये एग्जिस्टेंस में बच्चों तभी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह अस्तित्व में तभी आती है जब जो पीएम है वह अपने ऑफिस की ओत ले लेते हैं शपथ ले लेते हैं है ना उसके बाद ही जो मंत्रिपरिषद है वह अस्तित्व में आती है सो विदाउट पीएम ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती ठीक है एंड सेकेंड इज कि अगर मान लो जो पीएम है उनकी डेथ हो जाती है पीएम की डेथ या फिर रेजिग्नेशन इस कंडीशन में क्या होगा रेजिग्नेशन तो याद रखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी क्या होगा अपने आप भंग हो जाएगी स्वतः भंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली डिसॉल्यूशन ठीक है, क्लियर अब नेक्स्ट देखो कि बेसिकली जो पीएम है आ, उनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि केंद्रीय व्यवस्था की बेसिकली एक धुरी कहा जाता है तो यहां पर चाचा नेहरू के द्वारा क्या कहा गया कि जो पीएम है वह क्या है केंद्रीय धुरी है ठीक है तो डिस्क्राइब डिस्क्राइब हिम एज द लिंच the द लिंक ठीक है द लिंक पे ठीक है ऑफ गवर्नमेंट सरकार की केंद्रीय धुरी की जो संज्ञा है वह नेहरू जी के द्वारा दी गई थी अब देखो अगर हम देखें कि जो बेसिकली प्रेसिडेंट का जो पावर है वह डिपेंड करता है पॉलिटिकल सर्कअांसेस पर भी अब देखो कैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो पॉलिटिकल सकम टांसेस है अब दो मैं आपको पॉलिटिकल सकम टांसेस बता देती हूं एक तो तब जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो ठीक है जब एक तरह से क्लियर मेजोरिटी हो अगर क्लियर मेजोरिटी है तब यहां पर जो पीएम है वह पावरफुल होगा और अगर यहां पर गठबंधन की सरकार है कॉल्यूशियन गवर्नमेंट है ना अगर यहां पर कॉलुशियन गवर्नमेंट है तब यहां पर जो पीएम है वह मध्यस्था की भूमिका में ज्यादा दिखाई देगा सो सोलन गवर्नमेंट में बेसिकली जो पीएम है वह क्या कर रहा है एक्ट एक्ट मोर एज अ अगोशियटर यहां पर डिसीजन नहीं ले पाता ठीक तरीके से है नागोश नेगोशिएशन देन एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट देन एज द लीडर ऑफ द तो सरकार के प्रमुख के रूप में इससे ज्यादा इसकी जो मध्यस्था की भूमिका जो है वह हो जाती है ठीक है मध्यस्थता की भूमिका हो जाती है सो यहाँ पर अगर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है किसी एक को मेजोरिटी नहीं मिली तो ऐसे में अच्छा एक और बात कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का रोल है वह बढ़ जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी जो पावर है कि यह पीएम को अपॉइंट करेगा ठीक है ये पीएम को अपॉइंट करेंगे तो यहां पर ये जो इनकी पावर है ये भी बढ़ जाती है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सरकमटांसेस है उन सबका जो प्रभाव है वह हमारे किस पर पड़ता है सभी ऑफिस पर पड़ता है क्लियर अब हम चलते हैं लास्ट ब्यूरोक्रेसी सो वॉट इज ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का मतलब आखिर क्या है नौकरशाही का मतलब क्या है एक ऐसा मशीनरी एक ऐसा तंत्र जो कि योजनाओं को लागू कराए है, है ना एक ऐसा तंत्र जो कि योजनाओं को लागू कराए सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है अब परमानेंट क्यों कहा परमानेंट इसलिए कहा देखो एग्जीक्यूटिव भी बेसिकली दो तरह की होती है एक होगा जो किसी समय विशेष के लिए आएगी जैसे कि हम नॉन परमानेंट कहेंगे या फिर हम उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहेंगे पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यपालिका वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मंत्री मिनिस्टर्स आएंगे जो कि फाइव ईयर्स के लिए है और उसमें भी गारंटी नहीं है कि पाँच साल चलेंगे कि नहीं बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो लोग आएंगे ठीक है ये क्या होंगे ये सिविल सर्वेंट होंगे और ये जो सिविल सर्वेंट हैं ये क्या कर रहे हैं ये बेसिकली अपॉइंटेड हैं कैसे हैं? ये इलेक्टेड नहीं है ये जो है वह अपॉइंटेड है तो जो भी सरकारें आती हैं उनके साथ मिलकर जो है वह काम कर रहे हैं नीतियों को लागू कराने का काम कर रहे हैं द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड द पीएम मिनिस्टर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो जो ब्यूरोक्रेसी जो पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो मशीनरी है एंड टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस एंड इट इज डिस्क्राइब एज सिविल सर्विस ट्रेन एंड स्किल्ड ऑफिसर्स तो देखो सिविल सर्विस में क्या है कि ये बेसिकली याद रखना कि ये जो मशीनरी की बात हो रही है ये सेनाओं की बात नहीं हो रही आर्मी की बात नहीं हो रही है ये सिविल सर्विसेज जो नागरिकों के लिए सेवाएं दी जा रही हैं सिविल सर्विस उसकी बात की जा रही है है तो ये ये बेसिकली ट्रेंड ऑफिसर्स होंगे होंगे स्किल्स ऑफिसर एंड हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती दूसरी ठीक है एक सरकार आई वो चली गई दूसरी सरकार आ गई अब यहां पर परमानेंट जो एजुकेटिव है ब्यूरोक्रेट सब दोनों गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो इनसे कुछ अपेक्षाएं की जाती है जो कि आप एथिक्स पेपर फोर में भी पढ़ते हैं ठीक है जो कि आप एथिक्स पेपर फोर में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से अच्छा बेसिकली इनका टास्क क्या होगा इनका टास्क होगा कि जो रूल्स है जो पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करना लोगों को उनका सीधा लाभ देना है ना जरा इसको पढ़ो सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अ पॉलिटिकल न्यूट्रल पॉलिटिकल न्यूट्रल मतलब किसी भी जो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मत से प्रभावित नहीं होना बल्कि अपना जो काम है वह करना उनका काम है कि जो पॉलिसी बन गई है उसको इंप्लीमेंट कराने का काम करें उसमें सही करें ठीक है तो यहाँ पर ये तीनों जो स्टेटमेंट है इसमें सही लिखे हुए हैं ठीक है सो so यहाँ पर देखो बेसिकली अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यहां पर ये क्या है कि इंडिया में हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जैसे कि आप ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं तो जो आप सभी को बनना है कि भाई एमआईएस बनना चाहते हैं आईपीएस बनना चाहते हैं तो आईएएस आईपीएस ठीक है ये ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा इनको कहा जाता है ठीक है सो बेसिकली मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अवेयर ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इन्हें पता था कि अगर जो नॉन पार्टीशन होना चाहिए निष्पक्ष रूप से किसी का पक्ष ना लेते हुए किसी राजनीति का पक्ष ना लेते हुए जो ये ब्यूरोक्रेट्स है वह काम करेंगे ठीक है तो बेसिकली इनसे क्या एक्सपेक्टेड होता है सो इंडिया हैज इंडिया हैज वेल स्टैब्लिश वेल Established professional administration machinery, professional administrative administrative machinery, है ना well established जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो mechanism है वह इंडिया में स्थापित है एंड दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है ना सो so, याद रखना बच्चों कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी ना जो ब्यूरोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है पॉलिटिकल न्यूट्रल है ना ये जो ब्यूरोक्रेसी है वह क्या करे पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे मतलब किसी भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी uh, है पॉलिटिकल पार्टी की उससे किसी तरह से नहीं प्रभावित होना है तो बेसिकली फेथफुली एंड एफिशिएंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह कैसे फेथफुली एंड एफिशिएंटली फेथफुली एंड एफिशिएंटली उसको जो है अपनी पॉलिसीज मेकिंग का काम कर रहा है या फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने का काम कर रहा है ठीक है अगर ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट करें तो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे तरीके से फुलफिल करे यही का काम होगा अब देखो जैसे कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम ले रही है ठीक है अब यूपीएससी कोशिश करती है और यूपीएससी ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है ठीक है यूपीएससी सेलेक्ट करेगी कि भाई ऑल इंडिया लेवल पर क्या क्या सर्विसेज होंगी सेंट्रल या स्टेट लेवल की क्या क्या सर्विसेज होंगी तो यहां पर यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है जिसका एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर देखो कि सिलेक्टेड ये सेलेक्ट करेगा कि अपॉइंटेड ये अपॉइंट करेगा कि कौन कौन जो है जो कैंडिडेट है वह सिलेक्ट किए जाएंगे एज अ ऑफिसर कोशिश की, की जाती है कि इम्पार्शली जो है ये बेसिस ऑफ मेरिट पर सेलेक्ट करें यूपीएससी एग्जाम ले रही है अपॉइंट कर रही है ठीक है अपॉइंटेड बाई वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बट एग्जाम ले रही है एंड बेसिस ऑफ मैरिट है ठीक है मैरिट पद्धति के, के आधार पर उसको जो इस तरह की सर्विसेज है वह एलोकेट की जाएंगे ठीक है रिमूवल एंड सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना की जो सिविल सर्वे सिविल सर्वेंट होंगे स्पेशली हम आई एस आई पी एस की बात करें तो यहां पर इनका जो सस्पेंशन है ना या इनका जो रिमूवल है ये जानते हो कैसे होगा ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ठीक है ठीके? ये इस केस को देखेंगे उनके द्वारा ही किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के वजह से ये बाहर है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सुपरविजन ये काम जरूर जरूर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि इनको अपॉइंट करती है तो इनको हटाने का जो अधिकार है वह भी ठीक है आओ एक क्वेश्चन देखते हैं उससे कुछ और बातों को समझ जाएंगे लिखते रहिए है अब बहुत हो गया यूपीएससी हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन है ठीक है मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म एंड देयर रिमूवल एंड सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू अ थ्रो इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ हाई कोर्ट नो नो नॉट जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना सो ए बी सी एंड इसमें जो है वह सही है बाकी जो डी है वह इसमें रॉन्ग है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडियन पुलिस सर्विस ठीक है इसको क्या संक्षिप्त रूप से आई एस आईपीएस ठीक है So, ये क्या है ऑल इंडिया सर्विस इसको कहा जाता है आई ए का फुल फॉर्म क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन पुलिस सर्विसेज आई का फुल फॉर्म भारतीय पुलिस सेवा अब देखो केंद्रीय सर्विसेज भी यूपीएससी जो सर्विसेज हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं तो कुछ सेंट्रल सर्विसेज भी होती है जैसे कि फॉरेन सर्विसेज एंड कस्टम सर्विसेज ठीक है फिर स्टेट सर्विसेज भी होते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज तो यहां पर देखो इसमें आई एस आई के बारे में बताया गया है ठीक है कि ये बेसिकली बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी ये क्या होंगे ये बैकबोन होंगे बैकबोन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी ठीक है आई आईपीएस और बेसिकली हम देखेंगे कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही केवल इनके अगेंस्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दम ठीक है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर कर सकते तभी तो इन्हें कार्यकाल की इतनी ज़्यादा सुरक्षा रहती है सो so, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है ये स्ट्रेंथन अच्छा ब्यूरोक्रेसी का एक और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है कि सेंट्रल जो है वे अपॉइंट कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी क्या है एक सेंट्रल का जो एक हम कह सकते हैं जो स्ट्रेंथन है सेंट्रल का जो पावर है वो बढ़ाया जा रहा है फिर राज्य पर किसी भी स्टेट पर चूंकि केंद्र के अधिकारी केंद्र ने अपॉइंट किया है और चूंकि राज्य इनके बारे में कुछ कर नहीं सकता ना रिमूवल कर पा रहा ना सस्पेंशन कर पा रहा है ये सारा अधिकार केवल और केवल, केवल केंद्र सरकार के पास है और इन डेपोटेशन पर केंद्र सरकार इन्हें वापस भी बुला लेती है तो राज्य के ये बेसिकली एक देख नियंत्रण में जरूर काम कर रहे हैं

ब्यूरोक्रेसी इज स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट या ऑन द स्टेट ठीक है तो राज्य पर एक तरह से केंद्र का जो बढ़ा देते हैं ठीक है सो बेसिकली so देखो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी एज एजा एक इंस्ट्रूमेंट काम करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर कैसे कि जो पॉलिसीज जो सरकार ने बनाई हुई हैं इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए काम करेगी यूपीएससी ने पूछा था कि जो सिविल सर्विस है वह क्या है तो ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने वाला एक मैकेनिज्म है एक तंत्र है एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है तो लोगों के सीधे टच में कौन रहता है सरकार कहां पर लोगों के सीधे टच में है यहीं पर चलो क्वेश्चन को देखो कॉमनेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में क्वेश्चन आपका स्टेप्टर uh, खत्म हो गया एन आई एस आई पी एस ऑफिसर इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है ये बात ठीक है राज्य सरकार के असाइन किए जाएंगे कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में वर्क करेंगे और ये क्या करेंगे ये उस स्टेट के सुपरविजन कंट्रोल पे काम करेंगे द आई एस और आई पी एस ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन गो बैक इन टू सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सेवाओं में वो वापस जा सकते हैं डेफिनेटली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम नो 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 स्टेट के पास ये जो पावर है वह नहीं रहता है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए कहा भी जाता है कि अनावश्यक रूप से जो सुरक्षा है वह आई एस आईपीएस को दी गई है और इसलिए इसके इतने दबंगई से काम करते हैं ठीक है ठीके? चलो नेक्स्ट देखो तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव ये हो गया ठीक है अब बाकी एक दो क्वेश्चन हैं लास्ट क्वेश्चन देखो जो आपका आ, ये अभ्यास वाला है वाई डू यू थिंक इज एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट गिव योर आंसर इज नॉट मोर देन हंड्रेड वर्ड तो आप वन फिफ्टी और टू फिफ्टी वर्ड में लिखने की कोशिश करना आपको हंड्रेड में नहीं लिखना है ठीक है आप कोशिश करना वन फिफ्टी एंड टू फिफ्टी द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एजिक्यूटिव वेस मैनी पावर इन द लेजिस्लेचर ऑफ कंट्रोलिंग द एजिक्यूटिव वाई डू यू थिंक इज टू नेसेसरी कंट्रोल द एजिक्यूटिव है ना क्यों आखिर जो बहुत सारे अधिकार जो है वह दिए गए अब चलो शुरू से आ जाओ जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ा एजिक्यूटिव क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों को ज़रूर बताएं कि हाँ मैम अच्छा लगा समझ में भी आया कुछ ऐसा रह गया कि नहीं अगर समझ में नहीं आया कॉमेंट कीजिए जब हम आ, इन क्लासेस का रिवीजन करेंगे जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब आपके जो डाउट्स है या कोई बच्चा अगर रिलेटिव डाउट ऐसा पूछता है तो उसका रिप्लाई हम कमेंट में भी कर देते हैं ठीक है सो लेजिस्टिव जुडिश्री एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करती है हमने देखा कि पावर शेयरिंग हॉरिजनटल होगा डिविजन ऑफ पावर ठीक है सेम लेवल होता है जुडिशरी और इन सबका काम अलग अलग है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की तो एग्जीक्यूटिव वह है जो पॉलिसीज़ को लॉ इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रही है ठीक है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है और लेजिस्लेटिव जो है वह इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से कंट्रोल

बेसिकली जो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है कलेक्टिव लीडरशिप एंड इंडिविजुअल लीडरशिप के आधार पर हमने इसको देखा कलेक्टिव के आधार पर दो हैं पार्लियामेंट एंड सेमी प्रेसिडेंशियल और इंडिविजुअल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंशियल है ना प्रेसिडेंशियल साथ ही कुछ क्वेश्चन देख के हम बड़े पार्लियामेंट की तरफ और भारत में संसदीय कार्यपालिका क्यों है सो so, वो इसलिए है क्योंकि हमने शुरू में ये बेसिकली हम एक्सपीरियंस कर चुके थे नाइनटीन नाइनटीन के एक्ट से कुछ चीज़ें भारत में लागू थी और हमने एक्सपीरियंस किया कि इससे एग्जीक्यूटिव पर एक कंट्रोल जो है लोगों का हो सकता है एक लेजिस्लेटिव का हो सकता है सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव

ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ठीक है एकल हस्तांतरणीय जो मत पद्धति है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर ठीक है रिमूवल इंपीचमेंट होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशल मेजोरिटी इसकी इसके लिए जरूरत होगी ठीक है आगे हमने देखा कि कई तरह के पावर एक्जिक्यूटिव लेजिसलेटिव डिस्क्रेशन जुडिशियल इमरजेंसी बट प्रेसिडेंट इनका यूज करेगा बाय ऑनली ऑन द एड एंड एडवाइस एंड अब आपको ये बता रहा है कि ओनली शब्द कब लगा कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता देती हूँ बीस से लेकर पच्चीस के बीच में है कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके द्वारा इस बात को आ, आ, पर जोर दिया गया था कि जो प्रेसिडेंट है वह केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइज पर ही काम करेंगे ठीक है फिर हमने देखा कि तीन तरह की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं एक तो हो गया ये रिकन्सिडरेशन वाली बट ये भी लिमिटेड नहीं है दूसरी बार अगर आएगा तो बाउंड है वीटो पावर में भी ऐसे ही था कि रिफ्यूज़ कर सकते हैं या अपने असेंट को रख सकते हैं तो यहाँ पर वीटो पावर भी लिमिटेड है क्योंकि सेकेंड टाइम अगर आ गया बिल और तीसरा जो है वह पॉलिटिकल सरकमस्टेंसेस के कारण का डिस्क्रिनेशन पावर आता है कि अगर मान लो क्लियर मेजोरिटी 1989 के बाद किसी को नहीं मिली नो लीडर हैज टू क्लियर मेजोरिटी तब यहां पर जो है वह पीएम कौन होगा इस बात का तय करेंगे प्रेसिडेंट ठीक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की कि हेड होगा पीएम ऑफ मिनिस्टर्स है ना और यहाँ पर हमने देखा कि 1989 के बाद कॉल्यूशन की गवर्नमेंट आती है और कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जैसा कि मेजोरिटी मिले पीएम क्या क्या, क्या क्या काम करेगा तो हमने देखा काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स में कौन मिनिस्टर्स होंगे ये काम करेगा एलोकेट करेगा विभागों का आवंटन मंत्रालयों का आवंटन को सफल रिशफल करना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाता है क्या कोई बिना एम बने भी जो मिनिस्टर है वह हो सकता है डेफिनेटली वहाँ बस ये है कि विद इन सिक्स मंथ उसको मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह बनना होता है ठीक है साइज़ ऑफ हमने देख लिया कि साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर

Uh, क्या क्या जो पीएम uh, के जो पावर्स है क्या हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी की हमने बात की कि सिविल सर्विस ठीक है जो कि अपॉइंटेड किए जाएंगे और सिविल सर्वेंट किस तरह से काम करेंगे पॉलिटिकल न्यूट्रल होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेथफुल एंड एफेक्टिवली जो है वह काम करे यूपीएससी इसके लिए एग्जाम ले रहा है कोशिश करता है बेसिस ऑफ मेरिट करे आई एस आईपीएस के रिमूवर के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वही काम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज में हमने बात की ऑल इंडिया लेवल की सर्विस आई एस जो कि बैकबोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी कही जाती है और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है यूपीएससी ने, ने पूछा था तो बच्चों ये जो वह आपकी आज की क्लास है बाकी मैंने आपको जो पढ़ने दिया है रिविजन करने दिया है वो आपको करना है जो एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो आप कॉमेंट में जरूर आंसर करना मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में थैंक यू थैंक यू सो मच